नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता है। आज हमारे बीच में गुरु जी के टाइम की संगत, गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद लिए हुए संगत अमर जी अंकल और हरविंदर कौर आंटी आए हैं, उनके संगत शेयरिंग करेंगे। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए गौरी आंटी आपका स्वागत है। गौरी आंटी सेशन को आगे बढ़ाएं प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। वासिन अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, तो आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरु जी की। और जो भी पुरानी संगत सत्संग सुनाने आती है, जैसे इनको ड्रैग डिनर अंकल कह रहे हैं सब, गुरु जी ने नाम दिया था, ये सब मुझे लगता है कि भगवान के साथ ऊपर से एक टीम आई थी भगवान की सेवा करने के लिए। देखिए, कोई वीआईपी भी अकेले कहीं नहीं जाता, प्राइम मिनिस्टर भी अकेले कहीं नहीं जाता। तो मुझे नहीं लगता कि गुरुजी धरती पे अकेले आए थे, पूरी देवी देवताओं की टीम यहीं पे आई गुरुजी के साथ सेवा करने। और ये सब लोग देखिए, 99 में अंकल आए यहाँ पे नोएडा में, और आते ही गुरुजी ने इनको सेवा दे दी, बुला लिया, घर से बुलाया। तो ये सब उन्हीं लोगों में से एक हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इनके सबके सत्संग से हम बहुत सीखते हैं कि इनका प्योरिटी लेवल बहुत हाई होगा। गुरुजी आर्मी वालों को भी, डॉक्टर्स को भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनका प्योरिटी लेवल बहुत हाई था। इतनी सेवा सत्संग कर, कंट्री की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं डॉक्टर्स। तो ये भी उन्हीं में से है कि गुरुजी की टीम में से एक अंकल हैं। तो हम इनका सत्संग सुनेंगे और कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। हर सत्संग में एक मैसेज होता है, नई संगत को मैसेज कैच करके फिर उसको कैसे अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए, यही हमें सीखना चाहिए। अंकल आपका बहुत बहुत वेलकम है अंकल के प्लेटफॉर्म पे, और हम भी आज आपसे कुछ जरूर सीखेंगे। आप 99 में ज्वाइन हुए, मैं 2001 में ज्वाइन किया है मैंने गुरुजी को। जय जय गुरुजी। गुरु अंकल आंटी आपका बहुत बहुत जी। वेलकम है। जय गुरुजी। प्लीज अपना सत्संग शेयर करिए अंकल। हाँ जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारी जर्नी जो है गुरु जी के साथ 99 से, मतलब लास्ट से शुरू हो गई थी। मैंने, मेरा ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है और मतलब बचपन से यही काम कर रहे हैं, फादर के टाइम से ही। तो मैं 99 में ही आके नोएडा में बैठा था। तो मेरे पास जो है सिंगला अंकल, आप जो है संगत है जानती है, वो मेरे पास जो है, मेरे पास मेरी नोएडा में सेक्टर 29 में होना शॉप जो है, तो वहाँ पर जो है मेरे पास आते थे वो ना, अपने कपड़े ड्रैगनिंग कराने के लिए। तो अपने कपड़े ड्रैगनिंग कराने कराते थे, तो ये सब जो है चलता रहा। तो 99 में जो है वो, उसके बाद जो है कुछ जो है 2000 के स्टार्टिंग में, फिर वो जो है मेरे पास जो है कुछ जो है कलरफुल जो है, काफी कलरफुल शॉर्ट्स जो है वो लेके आए वो ना, और उसपे फुल ऑफ फ्रेगनेंस, पूरी भरी हुई थी फ्रेगनेंस के साथ। तो मुझे जो है वो दी, उन्होंने कहा कि अच्छे से कराना। मैं कहा ठीक है जी। तो वो जो है शॉर्ट्स जो है, तकरीबन जो है वही 8-9 शॉर्ट्स थी वो ना, तो वो जो है मेरे को दी, उन्होंने जो है मैंने जो है वो ड्रैगनिंग करा के दे दी। वो कलरफुल शॉर्ट्स थी, और एक्चुअली में जो है वो इतना, मतलब जो है इतना इतनी फ्रेगरेंस थी उसमें, इतनी फ्रेगरेंस थी पूछे नहीं होना। तो मेरा जो है यही समझा कि कोई किसी के गेस्ट के हैं इनके, कोई बाहर से आए होंगे, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, तो यही समझा मैं। तो मैं जो है वो ड्रैगनिंग करके दे दिया। एक बार ये शॉर्ट्स वाला हुआ, दूसरी बार हुआ, ऐसे करके जो है उसके बाद जो है अंकल जो है मेरे पास जो है, सिंगला अंकल, वो मेरे पास जो है गुरु जी के चोले होना जो है, उसमें जो है सिल्क वाले चोले भी थे, और उस टाइम जो है सर्दी का था तो गुरु जी का वेलवेट वाले चोले भी थे। तो काम किए हुए, फुल ऑफ जो है काम किए हुए चोले थे, पर मुझे नहीं पता था किसके हैं किसके, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, ये बोला था बहुत अच्छे से करा देना। मैं कहा ठीक है जी। तो मैंने जो है वो चोले वगैरह जो है, तकरीबन जो है मेरे पास वो चार जो है, पांच छह छह ऐसे सेट जो है लेके आने लग गए। तो मैं बढ़िया से करा के जो है पैक करके दे दिया करता था वो ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन उन चोलों में भी जो है इतनी फ्रेगरेंस थी, इतनी फ्रेगरेंस ही पूछे नहीं।
हमारे नीचे जो है मेरे फैक्ट्री जो है मेरे घर के नीचे ही थी, और वहां नीचे जो है वहां पर ये काम होता था, और ऊपर तक हमारे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, रहता हूँ अभी भी, तो वहां पर जो है फ्रेग्रेंस जो है आ जाती थी, और इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, और तो ये बात हमारे को समझ में तो आई नहीं, लेकिन जो है ऐसे करके हम देते रहे हो ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि सिंगला अंकल जो है वो कुछ कर्टन के जो है, उन्होंने तब भी नहीं मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया, और ना ही मैंने कभी पूछा तो भाई किसके हैं आपके गेस्ट हैं क्या है, मैंने नहीं पूछा। बिकॉज जो है मैं यही समझता रहा कि जो है ऐसी ड्रेसेस है, लगता है इनके कोई गेस्ट जो है, कोई फॉरनर मतलब जो है गेस्ट है, या फिर कोई ऐसा प्ले व्ले का इनका कोई ऐसा वो है जो जिसपे जो है लोग इतनी ऐसे ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं ना, मैं यही समझा कोई प्ले का है या कुछ जो है कोई फॉरनर का जो है कोई शूटिंग वूटिंग करते जैसे, मैं क्या वो है यही सब समझता रहा। तो ये सब जो है करके मैं जो है देता रहा। तो उसके बाद जो है मेरे पास जो है वो कर्टन के जो है कुछ सेट्स जो है अपने लेके आए, काफी सारे कर्टन जो है लेके आए। तो एक बार लेके आए वो लेके चले गए, दूसरी बार लेके आए वो भी लेके चले गए, तीसरी बार जब जो है लेके जाने लगे तब तक मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो मुझे यही कहा कि जो है कर लेते हैं, मैं कहा ठीक है जी। तो तीसरी बार जब लेके गए तो मेरा दिमाग हुआ, मैंने कहा पैसे जो है काफी सारा बिल हो गया है तो मुझे मांग लेने चाहिए थे, मैं ये जो है दिमाग में मेरे आया एकदम। तो क्या हुआ उस टाइम तो मोबाइल तो थे नहीं हमारे पास, सोना जो है लैंडलाइन जो है लैंडलाइन की मेरे जो है शॉप पे फोन था, वो लैंडलाइन की घंटी बजी हुई ना, लैंडलाइन की घंटी बजी तो मुझसे सीधा पूछा कि जो है सिंगला आए थे, पंजाबी में बात की, सिंगला आए थे, मैं कह जी मैं सिंगला साहब बोलता था, मैं कह जी हाँ उन्हें आए सी वो पर्दे लेके चले गए, उन्हें पर्दे लेके गए अगेन। तो कहते जो है 10 तरह कितने पैसे हुए, मैं जो है सोच रहा हूँ बाहर जाके मैंने उनको बोला भी नहीं, अभी तो अभी शॉप पे थे मैंने बोला भी नहीं कुछ, तो ये कैसे हो ना। तो जो है मैंने कहा शायद लगता है पैसे बिल ज्यादा हो गया, किसी की अप्रोच वगैरह लगा दी है, कोई पुलिस का बड़ा है या कोई जो है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऐसा कोई आदमी होगा, तो मैंने कहा कोई लगता है किसी की अप्रोच लगा दी है, लगता है बिल जो है ना वो देने का जो है वो नहीं है, मतलब जो है अच्छा डिस्काउंट जो है मेरे का या तो जो है ये डिस्काउंट जो है कराना चाहते हैं कुछ है। तो मैंने जो है दिमाग में अभी ये आया मेरी बात, तो मैंने फिर जो है पूछ लिया, मैंने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं, तो कहते जी मैं पार्टी माइंस तो बोल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में मैं डर भी गया थोड़ा सा, मेरे को लगता है किसी की अप्रोच वगैरह लगा दी है कुछ है वो ना जो है, मैं घबरा गया थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया फोन जो है फटाफट, मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ, और मैंने फोन जो है नीचे जो है वहां उसके ऊपर रख दिया, वापस रख दिया नीचे काट दिया। तो ये बात हो गई आई गई हो गई। उसके बाद जो है सिंगला अंकल जो है मेरे पास जो है आए अगली बार, तो मुझे जो है बिल बिल तो दिया उन्होंने, तो उसके बाद जो है मुझे कहते हैं कारपेट ट्रैकिंग कर दोगे सानी साहब, मैं कह जी मुझे सानी साहब बोलते थे, मैं सिंगला साहब बोलता था उनको, सानी साहब कारपेट ट्रैकिंग कर दोगे, मैं कह जी हाँ, कहते वॉल टू वॉल कारपेट अगेन ते वो जो है ट्रैकिंग करने, साड़ा मंदिर है गुरु जी का उत्थे जो है ये नहीं दस गुरु जी का मंदिर मंदिर है मंदिर पे जाना है, तो आपको जो है मैं कहते कब कर पोगे, मैं कह जी मैं ट्यूसडे को कर दूंगा, ट्यूसडे मेरी छुट्टी होती है, तो मैं सारे अपने जितने भी वर्कर हैं अपने 6-7 आदमी ले जाके मैं वहाँ जो है ट्यूसडे को कर दूंगा। तो कहते ठीक है तुम चल के देख लो, मैं कहा ठीक है जी मैं चलता हूँ। तो संडे को कहते हैं उन्होंने फिक्स किया कि संडे को मैं दोपहर में आऊंगा और जो है आप मेरे साथ चल, मैंने कहा ठीक है जी। वो संडे को मेरे पास पहुंच गए, संडे को मेरे पास शॉप पे पहुंचे तकरीबन जो है 1:15 बजे के आसपास, 1:15 का टाइम था, हम जो है मुझे गाड़ी में अपनी गाड़ी में ले गए, और जो है सीधा जो है मुझे बड़े मंदिर पार्टी माइज जो है वहां लेके गए। तो वहां गाड़ी से उतरे हम, उतर के जब अंदर आए तो ये हुआ कि अंदर आके जब मैं स्टेज चढ़ रहा था, मुझे प्रेग्रेस जो है ना जो उस टाइम जो है जो चोलों में या जो है गुरुजी की शॉर्ट्स में जो है वो आती थी प्रेग्रेस, वो प्रेग्रेस शुरू हो गई एकदम, पता जो है मैं अंदर जब देखा मैंने बहुत जो है दृश्य देख के मेरा थोड़ा सा वो हुआ, जब अंदर लेके गए मुझे तो अंदर ले जाने सीढ़ियां चढ़ने से ऊपर ही बस जो है उनको जो है फोन आया, एक मोबाइल उनके पास उस टाइम था वो, तो मोबाइल पे फोन आया तो पूछे सीधा पूछा, मैं थोड़ा सा मतलब आवाज ऐसे आ रही थी, तो ले आया ड्रैग क्लीनर, हाँ उन्होंने बोला हाँ जी गुरु जी सानी साहब ने ले आया मैं, ते जो है उन्होंने बोला कि वहां से आवाज आई ठीक है इन्हें जो है कारपेट दिखा दो, ते नाल चाय प्रसाद परवाओ, ते नाल संगत जो है सत्संग करो इन्हें। तो मैं अंदर आया, अंदर आके मैंने देखा तो
पूरे जो है मंदिर में, पूरे जो है अंदर हॉल में, तकरीबन वही सेम फ्रेग्रेंस, बिल्कुल सेम फ्रेग्रेंस मैंने सामने, फिर फर्स्ट टाइम गुरु जी की फोटो देखी थी, सामने देखा गुरु जी की फोटो लगी है, जो है गुरु नानक देव जी की फोटो लगी है, शिव जी की जो है पूरा लगी है। पर मैं जो है कुछ मैंने कारपेट वगैरह देखे, चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद जो है अपना मैं जो है चाय प्रसाद वगैरह पी के, तो उन्होंने जो है मुझे गुरु जी के बारे में बताया थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं जो है मैंने कहा चल यार मैंने तो काम करना है, तो हम जो है गुरुद्वारे जाने वाले हैं, चलो हमें जो है क्या इससे लेना देना। तो ये बात हुई, मैं उसके बाद जो है अपना जो है वहां से आ गया, वो ना वहां से आ गया, तो वहां से आके जो है जो कारपेट मैंने ट्यूसडे को करके दे दिए, ट्यूसडे को करके दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ ये होने लग गया, मैं जब से मंदिर से होके आया उसके बाद ये होने लग गया, जब भी मैं गाड़ी में बैठता मुझे फ्रेग्रेंस शुरू हो जाया, खुशबू शुरू हो जाती है एकदम फ्रेग्रेंस। मैं साथ वाले को बोलता तेरे को खुशबू आ रही है, साथ में जो होता था मेरे लड़का या कोई भी साथ में जा रहा होता था वो कहता जी नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। तो जो है ऐसा होगा मैं बेडरूम में बैठा होता तब मुझे फ्रेग्रेंस शुरू हो जाती, तो मेरा जो है इतना ज्यादा वो जो है होने लग गया, उन्हें मुझे जहां बैठा होता मुझे फ्रेग्रेंस शुरू हो जाती। तो ऐसा हुआ तो मुझे जो है क्योंकि सिंगला सिंगला अंकल बोल रहे थे तो गुरु जी आपको याद कर रहे हैं, आप ब्लेसिंग ले लो चल के। तो मैं जो है घर में बोलता था, घर वाले कहते थे कहाँ तुम चक्करों में पड़े हो, जो है क्यों चक्करों में पड़े हो, हम तो जो है गुरुद्वारे जाते हैं, छोड़ो आप जो है अपना काम करो। और लेकिन मेरे साथ जो है ये जो है तकरीबन 10-12 दिन में ये हुआ कि मेरे को जो है इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी पूछो नहीं, मैं जहां बैठा होता मुझे फ्रेग्रेंस शुरू हो जाती थी, गुरु जी के घर में बैठा होता फ्रेग्रेंस शुरू हो जाती थी। तो ऐसा हुआ तो उसके बाद जो है मैंने जो है एक दिन मैं शाम को जो है शॉप पे जो है बैठा हुआ था, तो बैठा हुआ था तकरीबन जो है कोई 6, 6:30, 7 बजे का टाइम था, मैंने कहा जो है मेरे दिमाग में आया मेरे कहा गुरु जी के पास जाना है आज, तो मैंने जो है मैंने कहा मेरे घर में बोलने का फायदा नहीं ना, इन्होंने जाना है किसी ने ना कुछ, मैंने जो है ऐसा किया टू व्हीलर जो है गाड़ी थी मैंने कहा उसको दूसरा वाला भाई ले जाएगा, तो मैं जो है टू व्हीलर लेके जो है एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर जो है बता दिया था सिंगला साहब ने मुझे कि वहाँ छोटे मंदिर जो है एम्पायर स्टेट जो है गुरुजी वहीं होते हैं, तो मैं जो है तकरीबन 7:45 के आसपास जो है वहाँ पहुंच गया था। वहां पहुंचा मैंने स्कूटर जो है बाहर पर चल गया, स्कूटर जो है बाहर लगा दिया मैंने, बाहर लगाया सबने बताया कि सीधा चले जाइए, मैं सीधा जो है चला गया। तो मैं जब जो है एम्पायर स्टेट के अंदर पहुंचा मुझे सीढ़ियों के पास ही जो है नीचे उतरते सर पे सिंगला साहब मिल गया, मुझे सिंगला अंकल मिल गए, मुझे जो है सीधा जो है गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी के पास ले गए मैंने जो है गुरुजी जो है हाँ बड़ा बड़ा ड्रैग लिया 10 तरह के वैसे हुए मेरा, फिर भी जो है मैंने कहा मैं एकदम वो हो गया, मैंने कहा अभी जो है इसका मतलब जो है गुरुजी, तो मैंने माथा टेका, माथा टेक के जो है गुरुजी ने साथ में अपने बिठा लिया, मुझे साथ में बिठा लिया, तो साथ में बिठा के जो है बोलते हो ना जो है कहते टू व्हीलर तो ना आया करो ना, बैठा ही था के। तो सबसे पहले शॉकिंग तो ये हुआ कि जब पैसे के लिए बोला मैंने कहा तो ये तो गुरुजी थे जिनका जिनका फोन आया था, उसके बाद जब मुझे बोला टू व्हीलर तो ना आएगा, तो मैंने कहा टू व्हीलर पे जो सही बात है वहाँ सब लोग तकरीबन मोस्टली गाड़ी में आते थे, टू व्हीलर पे कम ही जो है लोग जो है तभी आते थे, तो टू व्हीलर जो है मैंने कहा जी ठीक है जी। सिंगला ने पूछो थी गड्डी की नहीं एवरेज देती है, तो सिंगला साहब ने बोला कि मेरी 20-21 की एवरेज देती है, उनके पास ही मारुति कार थी मेरे पास ही मारुति वैन थी उस टाइम, तो मैंने कहा जी ठीक है जी। तो ये बात हो गई, उसके बाद जो है क्या हुआ गुरुजी ने मुझे जो है जब बैठा था गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मुझे सीधा बोला कि मैं काली पगड़ी टर्बन बहुत बांधता था, मैं काली टर्बन टर्बन मतलब मोस्टली जो है वही बांधता था, वो ना बीच में दूसरी भी बांधता था लेकिन व्हाइट या ब्लैक बहुत पहनता था, तो मैं उस दिन ब्लैक ही पहनी हुई थी। तो मैंने जो है जब बैठा था गुरुजी ने क्या काली पगड़ी नहीं पानी आई, तो बात मैं कहा ठीक है गुरुजी, तो उस रोज सवेरे चौपाई ज्यादा पाठ किया कर, मैं कहा ठीक है गुरुजी बोला। तो गुरुजी क्योंकि जो है साथ में जो है फिर जब गुरुजी ने प्रसाद दिया, प्रसाद देने के बाद जो है वो मुझे उन्होंने बताया कि बाहर जाके खा गए, उस टाइम गुरुजी जो है अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे और हम दोनों हाथ हथेली करके दोनों हाथ जोड़ लेते थे, हथेली खोल देते थे, उसके बाद ही पूरा नहीं आता था, तो वो प्रसाद जो है लेके सब जो है बाहर जाके खा रहे थे, मैं भी वैसे किया बना बाहर जाके प्रसाद खाया, प्रसाद खा के जो है तो मैं वापिस आ गया, वापिस आ गया तो गुरुजी वहां बैठे होते बोले एनु सुनाओ सत्संग, बड़ा बड़ा ड्रैगनियर बुलाओ थे अंदर ही होना, तो जो है वो मुझे सत्संग सुनाने लगे, मेरे सत्संग क्या पले बड़े, मैं तो यही सोच ही जाऊं गुरु जी को, मैं आते सारी मुझे बोला स्कूटर में मैं क्या पता नहीं क्या बात है, और पूरे में जो है जो फ्रेग्रेंस जो है सब उनके कपड़ों से आती थी, यहाँ पर उससे ज्यादा पता जो है फ्रेग्रेंस जो है यहाँ पर है वो, तो ये सब जो है होता रहा वो ना, तो मैं जो है
अपना सत्संग वगैरह जो है मैंने क्या सुनना था, क्योंकि मैं गुरुजी को देखूं और मेरे पसीने निकले जाए वो ना। तो उसके बाद जो है लंगर हुआ, लंगर करने के बाद लंगर किया, लंगर करने के बाद सिंगनाम लेकर आप गुरुजी से आज्ञा ले लो। मैंने आज्ञा ली तो गुरुजी ने कहा आ जा कर 15 दिन चिकवा चक्कर लगा लिया कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी। मैं घर आया, मैंने घर आके जो है आंटी वगैरह को अपने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे होना है और बहुत जो है वो ना पता जो है बड़े बड़े लोग भी थे, ये था वो था और साथ में वही सब कुछ वगैरह। तो इन्होंने कहा ठीक है जी ठीक है अच्छा। तो उसके बाद जो है ऐसे ही हो गया होना। तो ये हुआ कि इनको मैंने जब बोला कि जो है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम भी चले। तो हम लोग तकरीबन जो है हफ्ते में 2 बार ऐसे जो है 3 बार अब तो आना शुरू हो गए, क्योंकि उस टाइम रिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा नहीं थी। उस टाइम थोड़ी सी संगत होती थी, उस टाइम रिस्ट्रिक्शन इतनी नहीं थी होना। तो हम जो आना शुरू हो गए, तो आना क्या है, मैं दुकान जो है तकरीबन वही मैं दुकान से निकलते थे वो ना 8:15 बजे निकल, 9 बजे के आसपास वो सत्संग वगैरह खत्म, लंगर का टाइम ही होता था मोस्टली होना। तो लेकिन हम आना शुरू हो गए, तो आना शुरू हो गए तो ऐसे चलता रहा होना। तो इसके बाद क्या हुआ, ऐसा चल रहा था, यही बातें सब चलती रही। तो उसके बाद जो है मैं जो है कहूँ कि जो है मैं सिंगला साहब को बोलूँ, मैं सिंगला अंकल गुरुजी तो जो जो है कोई अब मुझे जो है कोई देते ही नहीं, ना आप जो है चोले वोले उनके देते हो, ना जो है आप कोई और कोई सेवा देते हो ना। तो वो कहते जी हो ना, कहते गुरु जी की मर्जी है, मैं नहीं कुछ कह सकता। तो ये बात चलती रही तकरीबन जो है, इस बात में भी तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना निकल गया, महीना 1.5 महीना निकल गया, लेकिन हमने आना नहीं छोड़ा। हम जो है आते रहे, हम आते रहे होना जो है, जब भी लेट सवेर मतलब जो है लेट आ जाते थे लेकिन आज जरूर जाते थे, आने लग गए होना। तकरीबन जो है 1.5 महीने 1.5 2 महीने बाद जो है ये हुआ कि मैं जो है किसी डॉक्टर को दिखाता था बच्चे को, तो अपना क्या कहते हैं उसे जो है अपना मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम थी, तो उसको दिखाते थे। उस दिन डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोल दिया, तो मेरे जो है मैं क्योंकि गुरुजी ने कहा था सुबह चौपाई सबका पाठ किया कर, तो छोटा सा मेरे घर में जो है मंदिर सा मेरा जो बना हुआ था उसमें मैंने एक कैलेंडर जो है गुरुजी का उस टाइम मिल गया था, तो रेड कलर की गुरुजी का वो कैलेंडर वाली फोटो जो है वो मैंने कैलेंडर लगाया हुआ था, और साथ में जो है मैं रोज सुबह जो है अगरबत्ती जलानी और चौपाई साहब का पाठ करना। और जो है उस दिन मैं जो है मेरी डॉक्टर की बात सुन के थोड़ा परेशान हो गया था, तो मैं गुरुजी की जो है फोटो के आगे रोया थोड़ा सा, मैं गुरुजी अब ये भी होगा वो ना। तो ये बात हुई, तो उसके बाद जो है मैं तकरीबन 9:30 बजे शॉप पे पहुंच जाता था। मैंने जो है फिर 9:30 बजे मैं शॉप पे पहुंच गया, अपनी 9:30 बजे शॉप पे पहुंचा, तो तकरीबन 10:30 11 बजे जो है सिंगला साहब आए, सिंगला अंकल आ गए वो ना। सिंगला अंकल आ गए, कहते सानी साहब आओ ना जो है तुसी है कुछ गुरुजी ने भेजा है ना। तो उन्होंने डिक्की खोल के जो है मुझे दिया, उसमें बेड कवर थे, पिलो कवर थे और फुल ऑफ फ्रेग्रेंस भरे हुए थे जो मतलब गुरुजी ने ट्रैकिंग वास्ते भेजा है। तो वो जो है मतलब मुझे जो है थोड़ा सा हुआ कि गुरुजी ने जो है मुझे जो है वो ना जो है शुक्र है जो है सेवा देनी शुरू करी। तो लेकिन मतलब उसके बाद जो है हम जाते रहे, तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे जो है तकरीबन सारे अपने जो है गुरुजी के जो चोले होते थे, टी शर्ट होती थी, पैंट होती थी, सॉक्स वगैरह जो भी होता था, मैं जो है तकरीबन जो है संडे को जो है लेके आने मैंने, और 2 सेट जो है गुरुजी के चोले का सेट जो है हर हफ्ते न्यू बनता था, हर हफ्ते तो हर हफ्ते जो है नया बनता था। वो अपना बेम्बी आंटी जो है वो बनाती थी, तो वो मुझे जो है किसी न किसी जो है कभी सेटी अंकल देने आ जाते थे, कभी जो है उनका ड्राइवर देने आ जाता था मेरे को। तो वो तकरीबन जो है संडे से पहले पहले मुझे मिल जाते, संडे के आसपास मिल जाते थे। तो मैं तकरीबन जो है वो 4 वो और 2 6 चोले के सेट होते थे, वो बाकी गुरुजी की पैंट टी शर्ट शर्ट और जो है सॉक्स वगैरह ये सब होता था वो ना। ये जो है मैं फिर तैयार करके जो है संडे को, क्योंकि मैं लेके आता था, फिर मंडे को जो है तकरीबन मैं तैयार करा देता था। रात को देर होती थी कुछ होती थी, लेकिन मैं मंडे को रात तक सब तैयार करा के मैं ऊपर अपने ले आता था, और उसके बाद मैं पैक करके ट्यूसडे को रख देता था। तो जो है ऐसे जो है मैं थर्सडे को फिर लेके जाना गुरुजी के पास होना सारा सामान जो है, थर्सडे को जो है मैं लेके जाता था। थर्सडे को मैं जो है ये समझ लीजिए कि दोपहर में जो है तकरीबन वहां से 2:15 2 बजे जो है 2:30 बजे निकलता था, और मुझे पता था गुरुजी का स्नान करने का टाइम 3 और 4 के बीच में होता था, 3:30 के, मैं 3:15 बजे तक मतलब तकरीबन पहुंच जाता था, 3:30 बजे तक। तो मैंने जो है पहुंच जाना, मैंने जो है जाके जो है थैले जो होते थे उनमें सामान होता था सारा, गुरुजी के थैले जो लेके जाता था उसी में सामान आता था। तो सारा जो है गुरुजी के जो है लेके जाने, मैं जो है आके अपने सेट के गेट के आगे जो है मैंने गाड़ी लगानी, और गेट से जो है मैं आके थैले उठाने, फटाफट जो है मैंने ऊपर भागना होना, किचन का दरवाजा खोल के फटाफट जो है ऊपर भागना। तो मैं अभी गेट पे भी अभी किचन के दरवाजे भी होता था,
वो कहते थे गुरुजी अभी 5 मिनट पहले कहते सानी आ गया, उन ऊपर लेके आ जाओ। तो ये जो है पहले जो है 5 मिनट पहले, क्योंकि ये बात होती थी, तो पांच वो आके बोलते थे गुरुजी सानी नहीं आए अभी, सानी साहब नहीं, सानी अंकल नहीं आए। तो मैं जो है फटाफट भागा भागा जो है गुरुजी के कमरे में ऊपर पहुंचता था। तो मैं जो है छोले वोले जो है सारे कहते वो देखो सानी, वो सानी आ गया, नाना कितना करो ना। तो ऐसे जो है फिर छोले वोले मैंने जो है लगाने हैंगर वैंगर में लगा के, अंदर लगा के ऐसे जो है जो 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 नए सेट होते थे उनमें से फिर गुरुजी देखते थे केड़ा मामा होना केड़ा अच्छा है सानी होना, मैं गुरुजी दोनों अच्छे अगेन। तो ऐसे जो है मतलब छोटी छोटे जो है प्यार वाली बातें जो है ऐसे जो है होता था। फिर जो है मैं जो है गुरुजी का स्नान करने के मैं नीचे आके बैठ जाता था, तो फिर वही रात को ही अपना जो है लंगर वंगर करके मैं रात को उससे जाता था। तो ऐसे जो है हमारी जो है जर्नी जो है मतलब जो है गुरुजी के साथ जो है शुरू हुई हुई। तो मैं जो है ये हुआ कि गुरु मैं कारपेट जब करता था, मैं एक बार जो है वैसे ही स्टार्टिंग की बात है तकरीबन जो है अभी गुरुजी के वो बर्थडे के आसपास पहले की बात है। तो मैं कारपेट करने छोटे एम्बेसडर गया था, तो एम्बेसडर गया था तो गुरुजी ये है कि मुझे जो है पहले जो है कुछ ना कुछ जो है मुझे दे देते थे, वरना जो है पैसे जो है कई 500 के 2 नोट दे रहे, 100 के नोट दे रहे, साथ में ये रख रहा। मैं बड़ी मिन्नते करता रहता था, मैं गुरुजी नहीं मैं ऐसे नहीं लवांगा वो ना। तो गुरु जी कहते सी नहीं ये प्रसाद आगा तेरा, ये गले च रख दी, कदी कहते सी गले च रख दी, कदी कहते सी उन्हें जो है अपने जेड़ा कान भी जिथे तुसी रख दे हो उथे जो है मेरे रख देना वन। तो उस दिन जो है गुरु जी जो है कारपेट करने गया, तो गुरु जी ने जो है मुझे जो है कारपेट करने के बाद अपने 2 जोड़े जो है अपने चरणों के 2 जोड़े जो जुती जो है वो जो है गुरु जी जो है मुझे दी प्रसाद में होना, कहते हैं तेरा प्रसाद होना जो है संभाल के रखी होना। तो मैंने जो है आके जो है अपने जो मंदिर था वहीं पर रखी होना। तो मुझे गुरु जी ने जो है मतलब जो है ऐसे जो है अपना जो है वो प्रसाद दिया। तो मतलब जो है ये कम से कम जो है वो हो गया कि मैं जो है जो भी है कम से कम थोड़ा बहुत तो वो, क्योंकि हमें तो पता था, ये कई लोगों को नहीं पता होता कि जोड़े ऐसे गुरु जी देते भी नहीं थे जिनको पता था कि ये जो है बिल्कुल जो है मतलब अब सीधे सीधे वे में है, तो तभी जो है ऐसे होता था। तो ये हुआ, उसके बाद जो है ये होने लग गया होना, उसके बाद हम मैं कंटिन्यू तकरीबन जो है ये चलता रहा होना। तो थोड़े टाइम बाद जो है क्या हुआ, मेरा जो है ये आंटी के जो है मेरे मिसेज के, तो इसके आंटी के जो है पैर में बड़ा सीवियर पेन होता था, बहुत सीवियर पेन होता था। तो ये जो है हीटिंग पैड लगाना इसे सब करना होना कि जो है एसी में भी हीटिंग पैड लगाया होता था इसमें, एक पैर में इसके बहुत ज्यादा दर्द था बहुत ज्यादा। तो ये बात चल रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है ये मुझे कहेगी आप गुरु जी से बात करो। मैं कह मैं तो देख बोलूंगा नहीं गुरु जी को, तो अम्मा जी भी कहते उन्हें जो है गुरु जी को आप बोलो ना। तो अम्मा जी वहाँ बैसठ होते थे, तो कहते आप गुरु जी को बोलो ना। मैं कह नहीं मैं नहीं बोलूंगा जी उन्हें जो है। तो एक दिन जो है हम आज्ञा ले रहे थे ये संडे को, क्योंकि जाते थे सारे बच्चे और जो है आंटी वगैरह, तो संडे को हम लाइन में लगे हुए थे आज्ञा लेने के लिए। तो जो है मैं चुको की चुप गई, गुरु जी कई बार जो है छोले मुझे पहले ही जो है देते थे जगह जाके बोला, तो छोले वगैरह में गुरु जी का सामान सामान जो है रखाता था बोला, गुरु जी पैंट टी शर्ट में आ जाते थे उसके बाद आगे लेने के टाइम। तो मैं आगे लेने के टाइम जो है आगे लाइन में थे, तो आंटी के पीछे से आप गुरु जी को बोलो ना। तो मैंने कहा कहती प्लीज बोलो ना, मैं कहा ठीक है। मैंने जो है गुरु जी को बोला, मैं कह गुरु जी मैं इतना बोला, मैं गुरु जी आंटी देव ना जो है इतना बोला, गुरु जी ने कहा चल पा जाओ ना सिफारिश नहीं करी जाओ ना। तो मैं हम जो है बाहर आ गए, उसके बाद आगे लेके बाहर आ गए। तो बाहर आए तो ये रोने लग गई, कहती जो है गुरु जी ने हमें मुझे डांट दिया होना, हमें डांट दिया। मैं कहा कोई बात नहीं गुरु जी ने डांट दिया जो भी है, मैं कह देख मैं तो नहीं आऊंगी, मैं कह तुम मत आ भाई तुम मत आ, लेकिन मैं तो जो है गुरु जी का जो है चोले वगैरह सब लेके जा रहा हूँ, मुझे तो आना ही है, मैं तो थर्सडे को जो है सब तैयार करा के लेके आना। तो मैं थर्सडे को जो है फिर गुरु जी के पास ऊपर कमरे में जैसे पहुंचा होना, तो गुरु जी के पास बैठा हुआ था नीचे, तो गुरु जी ने क्या सानी मन दर्शन की जरूरत नहीं है, मनु दर्शन की कोई जरूरत नहीं होना, मन सब पता गा। तो मन कहता कि अगले अगले थर्सडे नु आंटी ने लेके आई और 50 रुपए दे पान दे पत्ते लेके आई। मैं कह ठीक है गुरु जी। तो जो है क्योंकि गुरु जी के सामने ये होता था कि हमारी जो है नजरें भी ऊपर नहीं होती थी, हम हाथ जोड़े जो है नीचे जो है मदद करके जो है बैठे होते थे, और जो है मतलब नजरें ऊपर होती नहीं थी बिल्कुल ही होती थी जो गुरु जी ने कहा हाँ जी हाँ। तो उसके बाद जो है उस दिन मैं घर पे आया, तो मैंने इसको बताया भी अगले थर्सडे को तुमने चलना है और ऐसे ऐसे जो है गुरु जी ने बोला मुझे। तो मैंने रस्ते में 50 रुपए के पान के पत्ते ले लिए थे, तो हम जो है अगले थर्सडे को पहुंचे। मैंने जो है
अपना गुरु जी के जो है चोले वोले वहां सब रख दिए, ये भारी थी वो ना, इसके बाद इसको भी अंदर गुरु जी ने बुला लिया, वो ना बुला लिया। उसके बाद जो है गुरु जी स्नान मन करके आए तो इसको भी अंदर बुला लिया। तो उसके बाद गुरु जी जो है अपना जाके जो है जस्ट जो है वो मतलब जो है अपने कमरे में आए और आंटी को जो है अपना अपना कहा कि तू बुलाया आ जाओ ना। तो मुझे कहा कि जो है तू सानी ये थोड़े बहुत जो कपड़े पड़े थे, गुरु जी क्या जाए गड्डी जाखा जा। तो मैं गाड़ी में रखने चला गया। तो मैं जब वापस आया गाड़ी जो है बैक साइड में आते थे अंदर लेके, लेकिन उसके बाद बाहर छोड़ आते थे, गुरु जी कहते बाहर छटा है वो। तो बार बार जो है मैं गाड़ी जो है छोड़ने आ गया, गाड़ी में कपड़े छोड़ने आ गया। उसके बाद जब अंदर आया तो आंटी जो है अपना जो है वहां से मतलब गुरु जी के वहां से बाहर आई। तो गुरु जी मन के अंदर जो है आंटी दी ऐसी सर्जरी करती है आज। तो मैं कह हाँ जी गुरु जी वो ना। तो जो है फिर जो है मैंने फिर ये कहती आप कहाँ गए थे, मैं कह मैं तो गुरु जी तेरे सामने, गुरु जी ने बोला था कि ये कपड़े रखा गाड़ी में, मैं वो रखने गया था ना। तो मैं क्यों क्यों आया बना, नहीं गुरु जी ने जो है वो अपना मेरे पान के पत्ते लेके कुछ पता जो है वो अपना चम्मच होता था चांदी का, गुरु जी जो है अपना जो है वो ट्रीटमेंट जो भी मतलब जो है वो पान के पत्ते वो हमारा दिमाग घुमाने वाली बातें हैं उस टाइम वो ना। तो गुरु जी ने पान के पत्ते लगा के उस चम्मच से वो ना वो ऐसे दबाया था वो ना, उसके बाद जो है पत्ते बोला कि बाद में जल प्रवाह कर देना। तो जो है ये के हम जो है रात को फिर घर जा रहे थे, रात को घर जा रहे थे तो इसको बहुत सीवियर रस्ते में पेन, कहती बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं कह ठीक है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा वो ना। तो रास्ते में जो कभी दर्द तो होता था लेकिन उस दिन बहुत सीवियर दर्द हुआ। तो वो सीवियर दर्द हुआ हम घर पहुंचे हो ना, उसके बाद जो है अगले दिन जो है दर्द कहाँ गया कुछ पता नहीं कहाँ गया, दर्द जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल खत्म हो गया। तो ऐसे है मेरे गुरु जी का बोला वो। तो कोई बात है हम उस टाइम बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ जी, उस टाइम हम नहीं समझते थे ना गुरु जी समझने देते भी थे, गुरु जी समझने नहीं देते थे ना, समझने बिल्कुल नहीं देते थे। तो ये सब जो है हमारे साथ जो है वो ना चलता रहा जर्नी, गुरु जी के साथ हमारी चलती रही। उसके बाद जो है ऐसा हुआ कि मेरी बेटी जो है वो अपना क्या कहते हैं 11th में उसने जो है साइंस ली थी, गुरु जी ने जो है साइंस लिया। तो गुरु जी ने एक बार हम बड़ी गए थे तो गुरु जी ने बोला सी उन्हें जो है बड़ी डेंटल कॉलेज में इनोग्रेशन था वहां बिल्डिंग का, तो हम मैं भी साथ में गया था। तो आगे गुरु जी क्या देखा कितने सारे डॉक्टर, मैं कहते जो है मलिकन बेटी नुआसी जो है डॉक्टर बनावा गया। तो उस टाइम की बात है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो है उसने जब साइंस ली हुई थी तो उसने जो है अपना एंट्रेंस के लिए जब 11th में होता है एंट्रेंस के बाद 11th के जो है बाद जो है वो देने थे 12th में जो है एंट्रेंस के वो पेपर। तो अभी एक पेपर दिया था तो अपना मेडिकल के लिए तो एंट्रेंस का। तो जब मैं गुरु जी के पास जो है पहुंचा उन्हें थर्सडे को, तो उस दिन गुरु जी ने पूछा सानी बेटी की कर रही है, मैं गुरु जी वो अपना की कहते हैं मेडिकल दे एंट्रेंस दी वो कर रही है तैयारी होना एक पेपर अजय देता। तो गुरु जी क्या नहीं नहीं मेडिकल नहीं करना होना, उनका मेडिकल नहीं करना। मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो मैं जो है उसके बाद जो है घर आ गया थर्सडे रात को, घर आया मैंने मलिका बेटी जो है मलिका गुरु जी ने बोला है कि मेडिकल जो है नहीं करना। तो ये फिर जो है वो हो गई होना, कह रही पापा मैंने तो और कुछ पढ़ा भी नहीं ये है वो है, मैं जो है रोने लगी मैं क्या करूँ कैसे करूंगी। मैं क्या कुछ बात नहीं तू जानो गुरु जी जाने वो ना, तो संडे को मैं क्या जाओगे गुरु जी से पूछ लेना होना क्या करोगे वो ना। तो फिर वही हुआ संडे को जब जो है अपना हम लाइन में लगे थे, इसे मलिका ने जो है बेटी ने जो है गुरु जी के पास बोले जो है बोलने लगी गुरु जी इतना बोला गुरु जी ने फिर डांट दिया होना। तो मैं कह रहा मेडिकल नहीं करना जाओ ना, बाहर आए वरना जो है। इसके बाद जो है मैं उसके बाद थर्सडे को गुरुजी के पास जब पहुंचा, थर्सडे को गुरुजी के पास कमरे में जो है गुरुजी कहते हैं वरना सानी ये दस होना जो है होर की ऑप्शन अगेन मिटिया दे। मैं गुरुजी वो कह रही थी कि जो है एक हूं जो है मैं क्योंकि जो है औरतें कुछ जितना नहीं बायोटेक आगा एक, लेकिन उधर बाकी एंट्रेंस से निकल गए अगेन जिन्हें भी अगे से आईपी देते हैं उन सिर्फ जो है अमेठी भी चखा एक। गुरु जी कहते हैं हाँ अमेठी करा दे और अपना जो है अशोक चौहान और साड़ा भगत है उत्थे करा दे। तो मैं क्या हाँ जी गुरु जी। तो मैंने फिर बताया फिर हमने उसमें एडमिशन दिलवाया, एडमिशन दिलाया होना जो है बायोटेक में होना एडमिशन इसका वहां हो गया। तो ये सब जो है ऐसे जो है हमारा जो है ये जर्नी जो है। उसके बाद जो है इसने बायोटेक वहां से की जब तक गुरु जी ने चोला छोड़ दिया था। इसके बाद जो है ये मास्टर करने यूएस में गई, यूएस में जो है इसने बायोलॉजी में फिर मास्टर करी होना। तो
ये जो है ऐसे जो है हमारे गुरुजी के साथ जो है ये चलता रहा चलता रहा। तो हमारे साथ जो है ये बहुत जो है तकरीबन जो है हर इंसिडेंट जो है बहुत वो ना जो है छोटे छोटे जो है ऐसे होते थे। मेरे जो है बेटे को जो है वो होता था, बेटा मेरा जो है जब भी जो है डीपीएस मथुरा में पढ़ते थे ये बच्चे मेरे दोनों, हम नोएडा शिफ्ट हो गए थे जब निजामुद्दीन में थे, निजामुद्दीन से नोएडा शिफ्ट हो गए थे। तो हम 95 में वैसे शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जो है वहाँ वहीं से बच्चे जो है डीपीएस यहाँ मथुरा रोड पढ़ते थे। तो ये होता था, ये जो है बेटा मेरा जो है जिस दिन इसका टेस्ट होना, इस ये जो है टेस्ट होना, तो ये जो है प्रेयर मीटिंग में जो है ना इसे घबरा के गिर जाना। तो मेरी बेटी को जो है वहां से क्लिनिक में बुला लेना, उन्होंने बोलना कि जो है ये जो है ऐसे ऐसे जो है बता हो रहा है, 2-3 बार हो गया, बोलो डॉक्टर पापा को बोलो डॉक्टर को चेक कराए होना। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि जो है सीटी स्कैन करा लेते हैं। तो सीटी स्कैन के लिए जो है हम जो है पहुंचे हो ना गुरुजी, वैसे ही मैं पहले गुरुजी के पास पहुंचा, हमें जैसे सीटी स्कैन जाना था मैं गुरुजी के पास जो है सुबह के टाइम जो है पहुंच गया होना। तो पहुंच गया तो मुझे पूछा सानी क्यों आया, मैं कहा गुरुजी वो बेटे दा जो है डॉक्टर ने कहा कि ऐसा ऐसा गिर जाता है ते एदा सीटी स्कैन कराना, तो आज ये अपॉइंटमेंट जो है एदी फिक्स आ गई होना। तो गुरुजी ने कहा करा ला सीटी स्कैन कराना, ते है ते कुछ है नहीं होना, अपनी तसल्ली करनी कर लो, पांच जो पैसे फूकने अगेन 5-7 हज़ार रुपया दे आना होना। तो बस वही है कि हमने लिया हुआ था तो अपॉइंटमेंट जो है उसके बाद सीटी स्कैन हुआ। तो उसके बाद जब गुरुजी के पहुंचे पहुंचे तो गुरुजी कहते हैं हाँ की भैया, मैं गुरुजी कुछ नहीं लगा, तो मैं तो कह ही सही कुछ नहीं लगा वरना। तो ऐसे जो है हम छोटे छोटे जो है ऐसे ही हम कर देते थे जो उस टाइम समझ भी नहीं आता था, सही बता रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी के साथ जो है इतना वो हो जाता था कि हम जो है कुछ कुछ बातें जो है गुरुजी से जो है मतलब बोल देते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि वो तो सब जानते हैं वरना, लेकिन हम जो है कुछ बातें ऐसी कर देते थे वरना। तो एक बार जो है छोटे छोटे इंसिडेंट बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मैं आपको वो जो है सारे शेयर जो है छोटे छोटे होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने उस टाइम जो है क्योंकि मोबाइल जो है गुरुजी ने मुझे जो है उसके बाद जब मैं गुरुजी के था तो गुरुजी ने मुझे तभी बोल दिया था मोबाइल ले लो ना, तो मैंने मोबाइल ले लिया था उन्हें, मोबाइल नंबर ले लिया था, मोबाइल ले लिया उन्हें। तो मैं जो है एक बार जो है क्या हुआ कि मैं आ रहा था, मैं घर से तकरीबन यही होता था मैं 2-2:15 बजे तैयार होना शुरू हो जाता था, और बताओ कई बार जो है गुरुजी का दोपहर भी हो जाना है, सानी कितने हैं 10 बजे को गुरुजी का फोन आ जाना होना, कितने हैं मैं गुरुजी बस पगड़ी बांध रहे हैं आ जा फटाफट होना। तो बस ये कहा मैं जो है बस फटाफट जो है गुरुजी का सामान, क्योंकि पहले ही जो है थैले वालों में रख के मैं तैयार रखता था होना, तो मैंने जो है सामान उठाता और फटाफट जो है गाड़ी में रखता और बस गुरुजी का पहुंच रहे होना। तो मैं जो है उस टाइम मैं तकरीबन संत नगर ईस्ट क्लास नोएडा से जो है ऐसी रोड मतलब बीच वाली पकड़ लेता था जिससे जो है मैं ट्रैफिक में ना फंसू। तो मैं संत नगर की तरफ से जो है ऐसे ऊपर चढ़ाई की तरफ जो है चढ़ रहा था, तो गुरुजी की जो है मेरे फोन की घंटी बजी, तो मेरे फोन की घंटी बजी तो मैंने उठा लिया फोन, होना फोन उठा लिया तो गुरुजी ने जो है अपना क्या अपना इतना बोला कि जो है इतना बोला शब्द नहीं कट्टी दा होना। मेरे दिमाग में नहीं आया शब्द ही कट्टी था मैं कुछ नहीं होना। फिर दोबारा गुरुजी ने फोन किया, फिर मैंने वही गलती करी, मैंने फिर फोन उठा लिया, तो फिर फोन उठाया तो वही हड़बड़ाहट में होता गुरुजी का फोन आया होना, तो मैंने फिर फोन हड़बड़ाहट में उठा लिया होना। तो तीसरी बार जो है फिर जो है गुरुजी ने जो है मुझे फिर बोला कि जो है फोन तन किया ना शब्द ही कट्टी था होना, तो 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार जब गुरुजी का जो है फोन आया तो मैंने उठाया नहीं होना, तो वो शब्द मेरे जो है मेरे उसमें कॉलर ट्यून थी मेरे राम रहे, मेरे अभी भी वही है मेरे राम है तू संता का साथ हो रहा, ये जो है शब्द चल रहा था। तो ये शब्द जो है कॉलर ट्यून में मेरे है वो ना, वो जब से शुरू से यही है, तो ये जो है कॉलर ट्यून जो है थी। तो गुरुजी ने क्या शब्द मैं तब समझा मेरा दिमाग गुरु जी कहते शब्द नहीं कट्टी था होना चलन दिता कर होना। तो जो है फिर मैं पूरे जो है गुरु जी ने फिर उसके बाद भी 2 बार किया मैंने जो है फोन नहीं उठाया मैं गुरु जी के पास भी, वैसे जो है छोटे छोटे जो है इंसिडेंट हो जाते थे होना। तो मेरे को जो है तकरीबन जो है मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जो है जो हमने गुरु जी की जो है नहीं होना वो किया मानी नहीं बात होना। गुरु जी ने मुझे तकरीबन जो है 2004 में जो है ये बोलना शुरू कर दिया तू काम बखरा कर ले, मेरा जो है मेरे ब्रदर के साथ जो है बिजनेस था होना, तो मुझे कहा कि बखरा कर ले, मुझे एक बार बोला गुरु जी ने, 2 बार बोला, तीसरी बार बोला तो मैंने कहा गुरु जी जो है मैंने जो है क्योंकि गुरु जी के साथ हम रूम में बैठे होते थे तो बड़ा जो है ऐसे हो जाता था कि गुरुजी से बात करने में
वो नहीं होता था। मैं गुरु जी मेरा प्राग है, चल तेरी मर्जी हो ना, तो इतनी बात होता, चल तेरी मर्जी हो। तो वही बात है, परमात्मा तो जो है वही बात है, भगवान वही ना कहते हैं ना, महापुरुष जो है दुआ 3 ही बार बोलते हैं ना, तो ये बात हो गई हो ना। और उसके बाद मुझे जो है इतना जो है मतलब मैंने जो है बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, मतलब बर्दाश्त मैं शुरू से करता था, बिकॉज वो शॉप पे कभी बैठता नहीं था। और तकरीबन जो है 17-18 साल जो है, 17 साल 2017 में जो है, वो फिर जो है ऐसा हुआ कि शॉप जो है वो जो है उस पेपर्स वगैरह सब कुछ उसके नाम से, एक शॉप पे नहीं दूसरी शॉप थी 62 में, उस वो भी पेपर उसके नाम से थे। मैंने कभी जो सोचा ही नहीं कि जो है अपने नाम से कुछ कराऊं, मैंने सोचा ही नहीं कभी, भाई है कोई बात नहीं होना। तो लेकिन जो है गुरु जी ने उस टाइम बोला था, मैंने बात जो है नहीं मानी, गुरु जी की बात नहीं मानी, मैं कहता हूँ मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी। लेकिन जो है तब जो है 2017 में मुझे जो है वो शॉप जो है देनी पड़ी, मुझे सेक्टर 62 में जो शॉप जो है बिल्कुल चलती नहीं थी, वो मुझे शॉप मैंने दी हो ना। फिर देखो मतलब गुरु जी ने तब भी मुझे संभाला हो ना। उसके बाद जो है मैंने आगे जो है फिर थोड़ी सी अगली मार्केट में रेंट पे एक दुकान लेके मैंने काम शुरू किया, तो गुरु जी की कृपा से अच्छा है काम होना जो है। मतलब ऐसे जो है गुरु जी जो है आपको हिंट देते हैं, आप हिंट देते हैं, लेकिन हम कई बार जो है फॉलो कर लेते हैं, कई बार फॉलो नहीं करते हैं ना, अपने जो है मन की जो है करते हैं, वो गलत है ना, गलत है। मैं तो उस टाइम कहता हूँ हमने बहुत जो है गलतियां की हैं। तो ऐसे जो है हमारे साथ जो है गुरु जी की ये जर्नी जो है चलती रही। तो मेरा जो है ऐसा हुआ कि मैं एक बार जो है गुरु जी के साथ जो है अपना क्या कहते हैं, मैं जैसे थर्सडे को एक बार आया, थर्सडे को आया गुरु जी के छोले वोले सब दे दिए, तो जो मैं जो है मुझे उस दिन गुरु जी कहते हो ना जो है सानी जा गुरु जी ने, हाँ ऐसा हुआ, ये 2000 ज्यादा बहुत नहीं, 2006 की बात है। तो गुरु जी ने जो है मुझे अपना बड़े मंदिर के पास कहा था कि जगह लेनी है कुछ जो है, सानी थे दुकान खोलनी है। मैं कहा ठीक है गुरु जी हो ना, तो मैं जो है गुरु जी कहते सारे मंदिर के आसपास के थे जगह देख, मैं कहा ठीक है जी। तो मैं जो है मंदिर के आसपास जो है वहां पर एक मैं देखता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कहाँ पर देखूं कहाँ नहीं। तो वहां पर जो है ग्रोसरी की शॉप थी ना फतेहपुर बैरी में सरदार जी की, तो मुझे वो नजर आए, तो मैं उनकी शॉप पे पहुंच गया। मैं उनकी शॉप पे पहुंचा तो अपना मैंने कहा जी ऐसा है मुझे जो है कोई मुझे छोटी सी एक कोई दुकान मिल जाएगी यहाँ पर। तो कहते जी कितनी बड़ी चाहिए, मैं कहते जी मुझे 50 गज जगह मिल जाए वो भी मेरे लिए बहुत है, मैं कर लूंगा वो ना। तो कहते ठीक है जी मैं देखता हूँ कुछ होगा, तो मैंने फोन नंबर दे दिया उनको, तो उन्होंने मुझे जो है नेक्स्ट डे मुझे फोन किया, कहते जी तुसी जो है आ जाओ ते अपना बयाने दे सामना आ जाओ, कोई कुछ एडवांस जो है देना, जगह ही देखी हैगी है ते ऐसा ऐसा जो है 100 जो है तकरीबन जो है 190 गज जगह आ गई है। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं जो है अगले दिन जो है मैंने गुरु जी को कहा, मैं गुरु जी ऐसे ऐसे जगह मिल रही है और ऐसे ऐसे जो है 190 गज जगह है। तो गुरु जी कहते एक काम कर, और जो है शौकी नो नाल ले जा, शौकी अंकल जो है उन्हें संगत में थे, उन्हें तो है मतलब अभी भी, तो वो जो है मुझे कहते कि शौकी नो ले जाओ, वो जो है डील करने से जो है तेज जगह बहुत है। तो मैं जो है उनको साथ में लेके गया, गुरुजी ने उसको बोला कि तू साथ नाल जाओ ना, तो वो गए हम, तो वो हम जो है बैठ के जो है बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि अपना जो है बात करी 190 गज के, वो मांगने लगे तकरीबन जो है 22-23 लाख रुपए, उस टाइम 23 लाख से शुरू किया, 22 लाख ऐसे करते करते 22 लाख से नीचे नहीं आए। तो मैंने कहा बहुत, मैं कहा शौकी अंकल को बोला, शौकी अंकल मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास 11-12-13 लाख रुपए होंगे, इससे ज्यादा तो पैसे ही नहीं है, और साथ में मैंने इतनी बड़ी जगह क्या करनी है। तो मैंने कहा इतने पैसे नहीं है, तो हम उठ के जाने लगे, उठ के जाने लगे हम वहां से, कट के यू टर्न लेके वापिस आ रहे थे। फिर उसने वो सदा जो है उन्होंने रोका, कहते रुको 1 मिनट, तो फिर दोबारा वापस बुला लिया, दोबारा वापस बुलाया तो कहते ये 250 गज की जगह है, उसके साथ वाली जगह था प्लॉट था, कहते 250 गज की जगह है, तो ये जो है इस 250 गज के 25 लाख रुपए सिर्फ मांग रहे हैं। तो मैं कहा जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो शौकी अंकल ने कहा नहीं हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि है जो है उसमें से जो है हम 3 लाख रुपए में तकरीबन जो है लेके गया था एडवांस, तो उसमें से आधे पैसे जो है उनको दे दिए एडवांस में 1.5 लाख रुपए, ये लो जी रखो जी एडवांस। तो मैं शौकी अंकल को बोला शौकी अंकल मेरे पास पैसे ही नहीं है, वो कहते कोई बात नहीं हो ना जो गुरु जी ने पता होना था जो है हमने जो है वो करके जब जाने वो उसने फिर बैठा लिया, कहते नहीं जी अब इसकी भी बात करो। मैं कहा भाई मैं तो जो है एक के देने के लिए पैसे नहीं है, दो दो के कहाँ से दूंगा। तो चौकी अंकल ने कहा कितने पैसे मांगते हो इसके जो है, वो तो जो है 17.5 लाख में वो भी डन कर, 17.5 लाख में वो भी डन कर दिया। तो हम जो है मैं रस्ते में बोलता रहा मैं चौकी अंकल आपने ये सब कर दिया है, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है इतने, मैं कहाँ से लाऊंगा। कहते कुछ नहीं हुआ देख लाऊंगे। तो हम आए
छोटे मंदिर में गुरु जी के पास जो है पहुंचे हुए ना, तो पहुंचे तो गुरु जी कहते हैं हाँ हो गया। तो शोक के अगले बताया हाँ जी हो गया जी, गुरु जी एक जो है 250 गज दा गासी तो वो 25 लाख दा हो गया, और एक जो है 190 गज दा जी वो 17.5 लाख हो गया। तो गुरु जी के उसी टाइम एकदम 1 सेकंड में ही बोल दिया, गुरु जी कहते शोकी काम का 250 गज वाला तू रख ला और ए अपना 190 गज वाला सानी तू रख। तो ऐसी उसी टाइम जो है वो उसका जो है वो कर दिया। तो उसके बाद जो है वो प्लॉट जो है लिया हो ना, और अपना जो है रास्ते में जाते हुए गुरु जी जो है गाड़ी भी एक बार रुकवा के जो है फिर पूछा केड़ा सानी का प्लॉट है। तो वो जो है बोला कि वो बोले ये सामने वाला गुरु जी प्लॉट है, तो क्या होना देखा सानी नो करोड़पति बनाता हूँ। तो ऐसे जो है मतलब जो है वो ना, अब वो वही बात है कि बाबर जो है गुरु जी ने जैसे बोला था कि ऐसे नीचे जो है शोरूम बनाना है उतने जो है रहना आ गया बनाया हुआ है। अब वही बात है कि मेरे पास यहाँ भी नोएडा में अभी मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, तो वो भी बना हुआ है, देखो कब बना कैसे होगा। तो उनको गुरु जी जानते हो ना, मैंने तो छोड़ा हुआ है, जो जानते हैं वही करने वाले हैं, कराने वाले वही हैं। तो ऐसे जो है हमारी छोटी छोटी जो है जर्नी जो है चलती रहती थी वो ना। तो ऐसे हुआ कि मैं जो है एक बार जो है फिर जो है गुरु जी के पास जो है जैसे वही थर्सडे को जैसे पहुंचता था ना, तो उस दिन गुरु जी ने बोला सानी एक काम कर तू जो है जब उसे प्लॉट से चक्कर लगा के उसके बाद जो है बड़े मंदिर चला गया उसे चक्कर लगा। तो मैं जो है ऐसे किया प्लॉट पे जो है रुका थोड़ी देर, वहां पर रुक के करना गया था, वहां तो अभी सारा जो है घास फूस ही थी वहां पर। तो मैं जो है वहां पर रुका वो ना 10 मिनट वहां रुका, उसके बाद मैं बड़े मंदिर चला गया। बड़े मंदिर जाके वहां पर जो है अशोक अंकल वगैरह वहीं बैठे हुए थे, कोई काम करा रहे थे मंदिर का। तो मैं जो है वहां उनके पास थोड़ी देर बैठा, उसके बाद मैं तकरीबन 5:45 बजे जो है बैस शेड के बाहर आ गया, क्योंकि बैस शेड में भी जो है आपको परमिशन नहीं थी, जब तक गुरु जी अंदर ना बुलाए तो आपको परमिशन नहीं थी, जिनकी सेवा या कुछ था वही अंदर सिर्फ होते थे, बाकी तो 7 बजे जैसे दरवाजा खुलता तभी जो है आप गुरु जी के पास अंदर जो है पहुंचते थे। तो मैं जो है उससे जो है गुरु जी मैं 5:45 बजे वहां पहुंचा, तो मैं बाहर बैस शेड के खड़ा हो गया वो ना, वहां खड़ा हो गया कभी मतलब शेर भी थी बार बार बैठे के लिए, मैं बाहर खड़ा था अभी। तो मुझे जो है वहां से गुरु जी ने जो है अंदर से जो है बुलवाया सानी बार खड़ा उन्होंने लिया। तो मैं अंदर आया, अंदर आया तो मुझे गुरु जी ने जो है अपने नीचे कमरे में थे वहां पर जो है अंदर जो है ना अपने पास बुलाया, और गुरु जी जो है अपना सोफा था सामने, सोफे पे जैसे जो है वो लेट जाते थे। तो गुरु जी ने कहा मुक्की मारो ना, तो मैं जो है अपना कड़ा बड़ा उतारा, घड़ी बड़ी उतारी और मैं जो है मुक्की मारने लग गया ना। मुक्की मारते 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 तकरीबन जो है गुरु जी जो है पाठ में चले जाते थे ना, गुरु जी जो है पाठ में जो है अपना जो है थे हो ना। तो मैं मुक्की मारते मारते जो है मतलब काफी जो है मुक्की मारते मारते जो है हो गया, तो तकरीबन 8 बजे में 10 मिनट थे गुरु जी का जो है ध्यान टूटा। तो गुरु जी कहते हैं सानी की टाइम होया, तो घड़ी नीचे साइड में पड़ी थी, मैं गुरु जी 8:10 है अच्छा, तो 7 बजे क्योंकि अंपायर का गेट खुल जाता था ना। तो मन कहते गुरु जी कहते जा जा सानी जा बाहर जा, वो बार वाला दरवाजा खोल दे। ते जो है फिर गुरु जी जो है वहां पर जो है मैंने 8 बजे में वही 5-7 मिनट पहले दरवाजा खोला, सब लोग बाहर बैठे हुए थे, कह रहे थे पता नहीं क्या हो गया आज दरवाजा नहीं खोला होना। तो ऐसे जो है गुरु जी ने उस दिन जो है पता नहीं क्या मेरा क्या काटा है क्या, मैंने मुक्की तो देखी गुरु जी जो है संगत में तो ऐसे जो है होता नहीं था, 1 घंटा पौना 50 मिनट लेट होना। तो उस दिन जो है मैंने दरवाजा फिर जो है खोला होना, सब जो है हैरान थे इतनी देर होना कैसे होना। तो ऐसे गुरु जी जो है काटते थे आपके जो है बहुत कुछ काटा गुरु जी ने, जो हमें पता ही नहीं होता जी क्या क्या काटा, कितने इतनी गलतियां हैं जी, इतनी गलतियां हैं, इतने इतने वो हैं हमने कर्म किए हुए है, वो जो है क्या क्या ना काटते थे उनको पता है, सब वही जानते हैं। तो ऐसे जो है गुरु जी जो है गुरु जी ने जो है कभी बैठा बैठा होना एक बार जो है मुझे कहते कहते सानी अपना जो है की कहते ना आ जाओ ना, तो मैं ऊपर बैठे हुए थे तो गुरु जी जो है अपना वही वेस्ट और अपनी जो है वही तकरीबन वेस्ट और जो है जो शॉर्ट्स पहनी होती थी वही उसी में थे ना। तो गुरु जी ने जो है क्या जो है ऐसे जो है कहते जो है उस दिन मुझे गुरु जी ने अपने मतलब जो है पूरे के पूरे दरबारों के दर्शन करा दिए, और मतलब ये समझ लो ऊपर से लेके नीचे तक जो है मैं सारे दरबारों के दर्शन किए, और जो है और इतना जबरदस्त फ्रेग्रेंस वहां पर जहां हम सोच भी नहीं सकते इतनी फ्रेग्रेंस, मतलब जो गुरु जी के चोलों में से फ्रेग्रेंस आती थी उससे जो है पता नहीं कितनी गुना ज्यादा होना फ्रेग्रेंस थी वहां पर होना, इतनी फ्रेग्रेंस होना। ऐसे जो है गुरु जी ने जो है मतलब जो है वो किया। उसके बाद जो है एक बार जो है एक दिन वो भी आया मेरे लिए मेरी जिंदगी का, तो गुरु जी ने जो है मुझे एक शॉप जो है बोला था कि उसके बाद मुझे गुरु जी ने बोला कि एक दुकान जो है उसे देख गुड़गांव आना।
तो अजय थे जोशी, जोशी रहता है वो साउथ 52 का इलाका था। मैं जो है वहाँ गुड़गांव में जो है दुकान वुकान साउथ 52 में हम जो है चक्कर लगा रहे थे। तो चक्कर लगाते लगाते जो है मैंने देखा एक जो है अपना जगह थी वो ना जो मतलब वहां पर वो शेड से बार की तरफ लगे हुए थे। तो वहां पर जो है वे एक बैठे खड़े थे, उन्होंने कहा जी जो है ये शॉप बन रही है। मैं कहा ठीक है जी मैं भी बुक करा देता हूँ ना। तो हमने जो है वो शॉप बुक करा दी थी वो। तो 2000 वही छह की ये तकरीबन जो है वही 2006 के आसपास ही, 2005-6 के आसपास ही सारा वो चलता रहा। तो वो शॉप मैंने बुक करा दी। तो उसका जो है मैं चेक जो है वो हमने तीन छोटी छोटी मतलब शॉप थी वो तीन जो है शॉप जो है बुक करा दी थी उन्होंने। तो एक मेरे ब्रदर के नाम से, एक मेरे नाम से, एक आंटी के नाम से उन्होंने, तो ऐसे जो है बुक करा दी। तो वो उसका जो है मैं चेक देने जो है उस दिन जा रहा था। तो ट्यूसडे था उस दिन मैं जो है चेक देने जा रहा था वहां पर। तो चेक देने जा रहा था तो मेरा हुआ दिमाग कि मैं क्या ट्यूजडे है तो एक काम करते हैं, ये आंटी साथ ही थी ना। तो हम मैंने कहा यार गुरुजी के देख चोले वोले तैयार है तो मेरा थर्सडे को जो है थोड़ा लेट मैं आ जाऊंगा। तो मुझे क्योंकि इतनी तो फिर जो है वही 2:30-3 बजे जो है 3:30 बजे गुरुजी का पहुंचना पड़ेगा। तो जो है मैं जो है आज जो है गुरुजी के चोले भी दे देते। तो मैं जो है यही हुआ, मैं जो है पहले एम्बेसडर के गेट के आगे से निकला। तो मैंने जो है जैसे होता है मैंने सिर झुकाया, माथा टेक मतलब जो है किया और मैं गाड़ी लेके सीधा जो है वह चेक देके मैं तकरीबन जो है वही 3:30-4 बजे के आसपास मैं गुरुजी के पास पहुंच गया ऊपर। तो मैं अभी नीचे ही था तो मुझे बोला कि जो है मजी ने मजी कहते जो आप जो है अभी जो है गुरुजी पूछ रहे थे तो कोई थोड़ी देर पहले पौना घंटा घंटा पहले कि जो ऐसा नहीं आया। तो मैंने कहा हाँ मम्मा जी मैं निकला तो था, मैंने माथा ऐसे जो है टेका और मैं जो है सीधा जो है वहाँ चेक देने चला गया था। तो मैं सीधा गुरुजी के पास पहुंचा तो आंटी ये बाहर सोफे पे बैठी हुई थी ना, बाहर की साइड होना तो चेयर पे बैठी हुई थी। तो मैं जो है सीधा गुरुजी के पास जो है चोले वोले गुरुजी कहते कि कल सानी आज मंगलवार आ गया। मैं गुरुजी वो चोले तैयार सी ऐसे ऐसे चेक देना सी थे। मैं कह चलो चोले भी जो है सारे जो है तो मेरे चोले वोले जो है सारे जो है वो लगा दिए सब कर दिया। तो उसके बाद जो है गुरुजी कहते जा मेरे कमरे जाके बैठ, नीचे कमरे से बैठ। मैं जो है आके गुरुजी के कमरे में बैठ गया। तो बैठता बैठ के साथ में जो है मैं बैठा हुआ था। तो गुरुजी वही गुरु क्योंकि गुरुजी का स्नान करने से पहले वेस्ट रोज तकरीबन शॉर्ट में ही होते थे। तो गुरुजी आए नीचे और दरवाजा जो है ऐसे जो है अपना दरवाजा कमरे का ऐसे बैठ दिया, ऐसे सिर्फ बैठ दिया उन्हें बैठ दिया। उसके बाद जो है गुरुजी जो है जस्ट वॉक करने लगे, ऐसे सैर करते ऐसे सैर करने लगे, लंबे लंबे हाथ करके सैर करने लगे वो कमरे में ही सैर करने। मेरा तो क्योंकि जो है मेरे हाथ जुड़े हुए थे वो ना, तो ऐसे करते करते गुरुजी ने सीधा जो है हाथ ऐसे ऊपर किया और सीधा जो है मन के सानी हाथ करो ना। मैंने हाथ किया तो मेरे हाथ में जो है गुरुजी ने जो है गर्मा गर्म मतलब एकदम गर्मा गर्म फ्रेग्रेंस से भरा हुआ सचखंड का प्रसाद था ना। तो मेरे हाथ में गर्म इतना गर्म था पूरे जो है पूरा फ्रेग्रेंस से जबरदस्त, इतनी फ्रेग्रेंस थी मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। तो इतनी फ्रेग्रेंस थी तो मैंने जो है वो हाथ में लिया तो मेरे जो है गुरुजी का वो रूप भी देखो मेरा जो है वो बिल्कुल था। गुरुजी ने मेरे यहाँ पर चिन के नीचे जो है हाथ रख के कुछ जो पाठ पढ़ा, पाठ करने के बाद जो है कुछ पढ़ा, उसके बाद जो है मुझे जो है गुरुजी का वो रूप भी थोड़ा पूरा प्रसाद देने के टाइम पूरा जो है चेंज हुआ हुआ था। मैं घबरा भी थोड़ा सा गया मेरे जो है। तो मैंने जो मुझे गुरुजी कहते जो है ए सानी ए जो है अपने जो है पॉकेट चा खिला होना ते हूं जो है कार जाना है और ए जो है आज जो है प्रसाद सी चारा ने लेना है, चारा लेना है ते किथे रुकना नहीं रस्ते चो। और जो है उस तो बाद जो है तू रोज लेना सवेरे दुकान से जाते हुए और बेटी ने जो है हफ्ते एक बार दे देगा, मंडे नु दे देगा। मैं ठीक है गुरु जी। तो मैं बाहर आया ये जो है अभी मैं किचन मतलब गुरु जी के कमरे से बाहर ही निकला था। तो बाहर निकला तो मुझे जो है अर्जुन अंकल वगैरह कहते हैं कि जो बाहर ही किचन के वहां ही थे वो ना, तो कहते कि कल सानी अंकल तुम तो बड़े जो है एकदम सीरियस आए हुए हो और पूरे फ्रेग्रेंस भरे हुए हो। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ मैं कुछ नहीं हुआ मैं कुछ नहीं कुछ नहीं मैंने करके। तो गुरु जी ने मुझे बोला था कि मैं घबराया बहुत घबराया हुआ था। तो गुरु जी ने बोला कि सीधा रुकना नहीं है। तो आंटी ये बाहर बैठी थी वहां से चेयर पे तो मैंने कहा तू चल चल फटाफट, कहती की मैं कहा कुछ नहीं हुआ तू गड्डी बैठ। तो गाड़ी में बैठे और मैंने वहां कहीं गाड़ी नहीं रोकी जी होना, मैं सीधा जो है घर आया। घर आके ऊपर जो है अपना मंदिर जो है हमारा बना हुआ था मैंने वहां आया, मैंने सबको बुलाया, फिर मैंने अपनी जेब में से सचखंड का प्रसाद निकाला, मैंने वो दिखाया उनको। मैं कहा ये देखो ना गुरु जी ने जो है ऐसे ऐसे प्रसाद दिया है और ये जो है ऐसे ऐसे सबको उस दिन दिया। उसके बाद मैं तकरीबन रोज लेता हूँ और बेटी को जो है बोला हुआ एक हफ्ते में एक बार लेने के। तो ऐसे जो है सुनते थे वो ना गुरु जी देते हैं प्रसाद देते हैं, मतलब मेरी किस्मत जो है क्या मैं ट्यूसडे को कभी जाता भी नहीं, ट्यूसडे को मतलब कोई चांस था मैं कभी कपड़े लेके ऐसे नहीं जाता था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ मैं ट्यूसडे को गुरुजी के चोले लेके चला गया हूँ। तो क्या मेरे साथ जो है ये सब जो है
गुरु जी ने मुझे जो है मुझे ये सब जो है प्रसाद देना था उन्हें। तो ऐसे जो है हमारे साथ बहुत जो है छोटे छोटे जो है छोटे छोटे जो है ये चलता रहता था वो। तो मतलब इतना था कि क्या बताऊं। एक बार क्या हुआ, गुरु जी ने जो है छोटे छोटे ऐसे याद आते हैं तो वही होता है। तो मेरे पास जो है फोन था उस टाइम, तो क्योंकि मैं शाम को जो है तकरीबन जल्दी वो संडे को तकरीबन मैं लेट ही थोड़ा जाते थे, क्योंकि 7 बजे जैसे दरवाजा खुलता था वैसे जाते थे, और लेकिन थर्सडे को जो है मैं जल्दी जाता। तो उस दिन क्या हुआ, मैं थर्सडे नीचे बैठा था तो चंद्रशेखर के जो है बेटे जो है प्रकाश पंकज से जो है वो जो है थे ना गुरु जी के साथ जो है वहाँ अंदर थे। तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि सानी सानी साहब अपना जो है सानी अंकल फोन देना। मैंने फोन जो है उनको दे दिया। तो उस टाइम जो है स्टार्टिंग की बात है, प्रीपेड होता था, सब चार्ज कराना पड़ता था आपको, मतलब उसका रिचार्ज करना पड़ता था उन्होंने। तो उस टाइम फोन भी थोड़ा सा महंगा था, वो भी उस टाइम 40-50 रुपए का भी कर लो तो बहुत होता था। पर उस दिन जो है मेरे उसमें वो भी नहीं थे पैसे, वो ना बहुत कम थे, ना के बराबर कुछ भी पता जो है बैलेंस नहीं था। मैं कहा गुरु जी ने फोन तो अंदर मंगा लिया, इन्होंने ले गए हैं, लेकिन इसमें तो बैलेंस तो है नहीं उन्हें। तो मैं घबरा रहा था, मैं कहा क्या होगा। तो उसके बाद जो है उन्होंने जब फोन दिया, मैंने रात में देखा उसमें 200 कुछ रुपए और आए हुए थे। तो उस टाइम तो कोई होता नहीं था कि पेटीएम से कर दो यूपीआई से कर दो, उस टाइम तो कुछ था ही नहीं ना। तो कैसे हुआ क्या हुआ गुरु जी ने क्या किया मुझे भी मालूम हुआ ना। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हमारे साथ ये चलते रहते थे वो ना। तो और ना जो है बहुत है जी, और होने वाला टाइम तो आंटी तुझे कुछ करोगे शेयर। लो जी आंटी से कुछ होना थोड़ा बहुत। जय गुरु अंकल जी। हम अंकल गुरु शंकर वेट कर रहे हैं हरविंदर कौर आंटी जी के संकेत सुनने के लिए, प्लीज। जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे? हाँ अंकल जी, क्या कह रहे आंटी थे? का सत्संग प्लीज, हाँ जी, हाँ आंटी जी, के हाँ जी, सत्संग आंटी। हाँ जी, हेलो, जय गुरु जी। हेलो, देखो आ रही। हेलो हेलो, आंटी आप कंटिन्यू करें प्लीज, हम लोग सुन रहे हैं। जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी किया नहीं है। तो जैसे ही मैं जाती थी, क्योंकि हम लोग सरदार थे, तो क्या कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम गई तो मेरे को गुरुजी बोलते हैं मत्था टेक। तो क्या कहते हैं, मैंने बोला नहीं। फिर मेरे को गुरुजी ने मेरे को दूसरी बार बोला, मैं कह नहीं। फिर तीसरी बार मेरे को बोला, कहते मेरे को मत्था टेक। मैंने फिर जबरदस्ती मतलब ऐसे मत्था टेक दिया। तो फिर गुरुजी इनको सानी अंकल को बोलते थे कि ये आती नहीं, जबरदस्ती ये लेके आता है। तो फिर मुझे होता था, कहते इतने तो कई लोग थे लंगर करने आते हैं, मतलब मेरे को बोलते थे ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो के, कहते यहाँ इतने तो लोग लंगर करने आते हैं। तो क्या कहते हैं, बस यही बातें करते रहते थे, सत्संग सुन लै, तू कितने नहीं रहने वाली है। मैं गुरु जी यमुनानगर नहीं। अच्छा हाँ, मैं भी जैसे ना गुरु जी बातें करते थे, छोटी छोटी बातें, तू कितने नहीं रहने वाली है। मैं गुरु जी हम यमुनानगर नहीं रहने वाली हाँ, ते यमुनानगर ते मैं भी गया होया सी। बस वही गुरु जी कहते थे सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, बच्चों का ध्यान रख। गुरु जी बहुत बच्चों का बड़ा प्यार करते, बड़ा ध्यान रखते थे। बाकी बाकी सरसानी अंकल ही करते, मैं तो बहुत ही कम करती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं जो है गुरुजी के चोले लेके जाता था पैक करके। तो क्या होता था स्टार्टिंग में जो है ना, मैं क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, मैं पिन लगा के जो है स्टेपल पिन जो होता है उससे पैक करके ले जाता था प्लास्टिक को। प्लास्टिक को ऐसे जो है सारे पैक किए होते थे। क्या हुआ, गुरुजी ने जो है एक बार जो है वो अपना जो है अपना सिग्नल अंकल भी उस वहां पर वहीं पर थे वो। तो गुरुजी ने जो है वो पैकेट जो है खोला और पिन जो है गुरुजी के जो है उंगली में लगी, उंगली में लगी, और जो है पिन से क्या हुआ ऐसे ब्लड की धार शुरू हो गई, ऐसे ब्लड की धार शुरू हो गई पूछो नहीं होना, मतलब एकदम जो है टिप टिप करते जो है ब्लड शुरू हो गया। तो जो है फटाफट सिंगला अंकल ने जो है वो गुरुजी का जो है उंगली जो है दबाई और उसके बाद जो है ब्लड बंद हुआ। उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा दिए, मैं कभी स्टेपल पिन नहीं लगाऊंगा गुरु जी के होना उसमें। तो मैं जो है उस टाइम जो है फिर मैंने टेप जो है वो जो है टेप लगाने लग गया। तो ऐसे जो है मतलब गुरु जी के साथ जो हाँ, है एक एक बार गुरु जी ना मेरे को और सानी अंकल को बोलते कमरे में आ जाओ, गुरु जी के रूम, इंपायर स्टेट में गुरु जी के रूम में हम लोग गए। तो दोनों हम दोनों को कहते हैं कि ना तू दोनों ना मेरे को ना शूज पहनाओ। तो शूज पहनाओ, इन्होंने तो फटाफट शूज, गुरुजी खुद खड़े हो गए, कहते मेरे को ना शूज पहनाओ। तो इन्होंने गुरुजी का पैर उठाया तो शूज पहना दिया फटाफट। अब मैं कैसे बोलूं, मेरे से पहनाया ना जाए, गुरुजी मेरे को देखे दूसरा
दूसरा पैर मुझे कहते तू पना, जब मैं पना मेरे से पनाया, जब गुरु जी मेरे को इशारा करते हाँ हाँ मतलब कि मतलब पवा, तो फिर हमने दोनों ने डाला। फिर एक बार ऐसे हुआ, गुरु जी कहते हैं कि ना हम लोग शाम को जल्दी चले गए थे, तो सिंगला अंकल ना बुलाने आए, तो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे उनकी डॉक्टर ने ला को, तो गुरु जी कहते हैं किन्नू ले आया है, तो सिंगला अंकल ने बोला, कहते हैं डॉक्टर है डॉक्टर। इम्पोर्टेंट गुरु जी ने ना अपने पैंट में ना धागा बटन लगवाना था, तो सिंगला गुरु जी बोलते बाहर किसी आंटी ने बुला के ले आ, और सिंगला अंकल ना डॉक्टर की डॉक्टर ने ला को ले आए थे, कहते हैं डॉक्टर है की करेगी इन्हें भेज दे वापिस। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आए, कहते सानी आंटी आपको ना गुरु जी बुला रहे हैं। मैं तो घबराई, मेरे को गुरु जी क्यों बुला रहे हैं, तो क्या कहते हैं मैं गई, तो कहते हैं सुई धागा पा, मेरे से मेरे मेरे तो हाथ पर फूल गए, मैं धागा कैसे डालू, मैं मेरे से पड़ा ही नहीं, मैं बैठ गई। ऐसे 8-10 बंदे, रोमा आंटी, सिंगला अंकल, प्रीक्षित अंकल, सारे बैठ गए पूरा घेरा बना के, किसी से धागा ही नहीं डले, जैसे सुई में धागा डालें उसके मुंह 3-4 और धागे के बन जाएं। परेशान गुरु जी देखी जाए, गुरु जी बैठ के सोफे पे, तो और बटन खोले हुए आगे से, तो हम लोग सारे पूरी उस कमरे में 10-15 बंदे हो गए जिससे कि धागा ही नहीं पड़ा। फिर प्रीक्षित अंकल ने फिर उन्होंने पता नहीं धागा डाला, तो फिर रोमा आंटी कहती है मैं डालती हूँ मैं डालती हूँ, धागा ऐसे डाला बटन लगाए तो लगे ही ना, क्योंकि गुरुजी पैंट पहनी हुई थी हम डालें कैसे। फिर टेढ़ा मेढ़ा करके बटन लगाया, तो फिर सानी अंकल आए, तो कहते सानी ए बटन ठीक करवा के मेरे पैंट नु सही करवा के ले, पता नहीं क्या गुरुजी ने हमारे से करवाना था, क्या करना था कुछ पता नहीं होता था। जैसे मैं बच्चों का बड़ा वो करती थी, बच्चों ने पढ़ना है, गुरु जी कहते हैं आंटी नहीं आई, कहते नहीं इन्हें ब्लेसिंग बच्चियां नहीं आएगी, पता नहीं हमें फिक्र करनी रहनी हैगी है। जिस दिन हम लोग बच्चे होते थे साथ में तो गुरु जी जल्दी छुट्टी काट जाते थे, जिस दिन हम लोग साथ नहीं होते थे फिर गुरु जी कहते बैठे रहो आराम लो, किथे जाना है किधरे नहीं जाना बैठे होते, तो मैं जाती नहीं थी, गुरु जी कहते जबरदस्ती लेके आना है, क्योंकि हम लोग सरदार है, हम लोग सिर्फ गुरुद्वारे की तरफ ही जाते थे या कैसे। तो बस वो ऐसा गुरुजी ने किया हुआ था कि बस होता था कि कब जाएं ऐसे ही होता था, बस गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है बच्चों पे भी हमारे पे भी गुरुजी की। हाँ गुरु जी जो है, मुझे जो है जैसे पता जो है, रात को जो है उठते थे ना, संडे को जो है, संडे को ऐसे होता था कि जब उठते थे अपना जो है चोला चेंज करने के लिए अंदर जाने लगते थे, तो जो है कई बार 10:30 11 भी बज जाते थे, कई बार तो मतलब लंगर के बाद ही जो उठ जाते थे। तो ऐसे जो है गुरु जी जो है चल रहे होते थे, तो जो है गुरु जी ने जो है अपना चलना, और जो है मैं पीछे बैठा होता था, तो मैं पीछे बैठा होता था कई बार जो है, मतलब मैं थोड़ा सा आगे भी कई बार आ जाता था, तो गुरु जी पीछे सबको इशारा करते छुट्टी करने के लिए, ऐसे हाथ से उंगली से इशारा करते थे। तो जो है कोई कहता था जी आपको बुला रहे, कोई कहता था आपको बुला रहे, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं जो है, क्योंकि मुझसे जो है गुरु जी इशारा कर रहे, वो मुझे वो बोल रहे कि आपको बुला रहे, तो मैं कई बार उठ के जो है जाने लगता था। जो गुरु जी ने जो है ऐसे हुआ, दो बार हुआ ना, गुरु जी ने कहा ना जो है अच्छा कंजर जाए जाके पीछे बैठ जाओ ना, तो ऐसे जो है ना प्यार जो है ऐसे होता था ना। तो गुरु जी जो है वहां से उठते थे, फिर जो है वहां से जो है मुझे जो है अपना कहते आ जाओ सानी साहब आ जाओ, कई बार कहते थे आ जाओ सानी साहब, कई बार आ जाओ बाप सदा जी होना, कई बार कहते थे आ जाओ अमरजीत सिंह जी होना, ऐसे मतलब प्यार से होना, कहते आ जाओ, बाप कहते पहले आंदा नहीं सी, फिर जो है करते कई बार कहते थे पहले आंदा नहीं सी, हूं मेरा खेड़ा नहीं छड़ता गया, तो चलो सदा जी 12 बज गए चलो ओण होना। तो इस बाद जो है वो गुरु जी बस अभी कमरे में जो है रस्ते में, क्योंकि गुरु जी लुंगी थोड़ी सी लूज कर लेते थे बोला, तो अभी कमरे के जो है अंदर भी नहीं घुसा, गुरु जी ने बस वो कमरे के अंदर एंटर होना मतलब आधी जो है वो खोल देते थे, तो दरवाजा बैठना और मुझे जो है फटाफट मेरे वो जो है उसके ऊपर जो है फेंकना होना लुंगी वगैरह अपना दुपट्टा वगैरह जहाँ चकला होना, तो मैं फिर अंदर से जाके गुरु जी के जो होता था होना, जो अंदर जो वॉशरूम था वहीं पर गुरु जी के सारे कपड़े थैले में होते थे होना, किसी को पता नहीं चलता था कि कि मैं जो है गुरु जी के कपड़े ढंग, मैं जो है फिर वो सारे कपड़े जो है करने, उसके बाद जो है कई बार गुरु जी ने बोलना पैंट और टी शर्ट पहनानी, शूज जो है ऐसे जो है पहनाने होना, उसके बाद जो है मुझे कहते जा होना, तो ऐसे गुरु जी प्यार मतलब इतना प्यार करते थे होना। अंधेरिया मोड़ तो बना लिया था हाँ तुमने। एक बार जो है क्या हुआ, रात को जो है मैं अपना चला गया होना, मैं चला गया उस दिन जो है, क्योंकि थर्सडे मैं लेके आया था, तो मैं चला गया होना, तो मुझे जो है सिग्नल अंकल का फोन आया जो है, सानी साहब कितने हो, मैं कह सिग्नल अंकल मैं तो अंधेरिया मोड़ तो बस रेड लाइट से पहुंच गया, नहीं गुरु जी कह रहे वापस आ जा, तो मुझे जो है वापस बुला लिया, तो क्योंकि संगत तो गुरु जी अपने कमरे में आ गए थे, तो संगत वंगत नहीं थी उस टाइम, संगत जो है बिल्कुल सिंगल अंकल ही थे, तो गुरु जी ने बुला लिया, रात को टाइम भी 11:30 के आसपास जो है उस दिन बहुत लेट टाइम था उन्हें,
तो अंदर बुला लिया, अंदर जो है गुरु जी अंदर से थे रूम में, तो मुझे जो है बाहरी कमरे के जो है वहां बैठे जो है बिठा दिया सामने, बैठ जाओ ना, तो बिठा दिया और फिर कहा कि एक गिलास दूध लग गया हो ना, तो मुझे उसे गर्म जो है दूध जो है गुरु जी ने पिलाया। जब मैंने दूध पूरा खत्म कर लिया उसके बाद कहते हैं हूं जाओ, तो पता नहीं क्या होना था मेरे रास्ते में, कुछ होना था क्या होना था मुझे, मतलब वहां से रास्ते से वापस बुला लिया गुरु जी ने, अधेरिया मोड़ से वापस बुला लिया कि वापस आ जाओ। तो ऐसे गुरु जी छोटी छोटी बातें होना, छोटी छोटी बातें जो है इतनी सारी पूछो रही हो ना। जैसे हम लोग दोपहर में कई बार जल्दी चले जाते थे ना, तो गुरु जी कहते आज किस तरह आ गए हैं। फिर हम लोग जैसे पहुंचते, पहले चाय प्रसाद लड्डू प्रसाद खा लो, खाया, फिर उसका हम किचन वगैरह तो वाइंड अप हो जाती थी। जो किचन में होता था देसी घी के परोंठियां, अचार, दही, वो कहते जो पड़ा होता था हम लोग खाते थे। खा के फिर कहते फिर चाय, दोबारा चाय दे के कहते हूं जाओ। मतलब इतना प्यार गुरुजी करते थे कि मतलब कि छोटी छोटी चीजों का, बच्चे नहीं होते थे उनके लिए चॉकलेट, डाइट चॉकलेट सारी मतलब बचवाने। एक बार गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने पहले हल्दीराम के ना बड़े बड़े लड्डू आते थे, तो अभी भी आते हैं, तो गुरुजी ने हम चारों के लिए करा कि चारों, तुम उन्होंने एट ए टाइम चारों ने अपना अपना पूरा पूरा लड्डू खाना है। पता नहीं क्या गुरुजी ने हमारा कल्याण करना था, वो चार लड्डू हमारे को भेजे थे, दो बच्चों के लिए तो हम दोनों के लिए एक है, कहते अपना अपना लड्डू पूरा खाना है। तो बच्चे ये लेके आए तो बच्चे कहते पापा हम कैसे खाए इतने बड़े, मैं कहा खाना पड़ेगा। गुरुजी ने पता नहीं क्या हमारा गुरुजी ने काटना था, और चार लड्डू हल्दीराम वाले बड़े बड़े बूंदी वाले हमारे को दिए, हम लोगों ने फिर सारे खाए हैं। और गुरुजी इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मतलब किसी ना किसी के थ्रू मतलब हमारे के लिए कुछ ना कुछ भिजवा देते थे कि बच्चे नहीं आए, आंटी नहीं आए, कुछ ना कुछ गुरुजी भिजवा देते थे। जैसे कोई कोई हर फंक्शन में मुझे तो कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई चोला मेरे को हर फंक्शन मेरे को देते ही देते थे कि ये बनवा के आना है या कैसे। जैसे हम जैसे ये दोपहर में कभी फंक्शन के टाइम में जैसे सुबह चोला दे आते थे, कहते बड़े मंदिर शाम को पहुंचो आंटी और बच्चन लेके। अगर हम लोग शाम को जाते थे फिर गुरुजी बड़े मंदिर गुरुजी के पीछे पीछे हम लोग, और आगे आगे गुरुजी, फिर हम लोग अंदर नहीं हॉल में नहीं जाते थे। हमें होता था कि हमने गुरुजी के साथ जा रहे हैं तो ब्लेसिंग बाकियों को भी मिलनी चाहिए, तो बस ऐसे ही चलता रहा। याद तो मतलब ये जो है गुरुजी के साथ जो है हमारा वो ना, गुरुजी साथ में जो है मतलब हर चीज के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ मतलब जो है करना होना, गुरुजी ने इतना जो है प्यार देना, बहुत प्यार मतलब जो है इतना ज्यादा अपनापन प्यार होना जो है। जब गुरुजी ने जो है लास्ट में 27 ये जो है मई की बात है, संडे लास्ट संडे जो था, तो गुरुजी वैसे जो है क्योंकि गुरुजी ने तकरीबन 5-6 महीने पहले जो है, 4-5 महीने पहले जो है गुरुजी छोले जो है, क्योंकि छोले तकरीबन गुरुजी कभी किसी को प्रसाद दे देते हैं, हमने भी बहुत दिया है, मेरी अलमारी अभी भी जो है पूरी भरी हुई है बिना गुरुजी के छोलों प्रसाद से, तो कई इन्होंने बनवाए तो तकरीबन 4-5 सेट बनवाए भी हैं, उसके बाद हमने जो है वो पहने भी नहीं कभी, एक आध बार गुरु जी के फंक्शन पे पहन लिया तो पहन लिया, अदरवाइज नहीं पहने। मेरी बेटी का एक एक सेट जो है आंटी ने बनवा दी, बेटी का बनेगा ऐसे छोला, तो ऐसे जो है गुरुजी ने काफी प्रसाद हमें जो है, कभी मुझे पैंट दे नहीं, कभी टी शर्ट दे नहीं, कभी लूंगी शर्ट दे नहीं, पगड़ी दे दी एक बार होना, तो अपना लुंगी दी होना, कुर्ता पजामा अपना, मतलब इतना कुछ जो है, शूज जो है मेरे बेटे को, ऐसे इतना प्रसाद जो है, मेरी पूरी अलमारी जो है एक अलमारी पूरी गुरुजी के प्रसाद से भरी हुई है हाँ, होना। दो जोड़े दिए जुतियों के ना गुरुजी ने स्टार्टिंग में दे दिए थे, कहते ये जोड़े ले जा, ये रखने पाण वाले नहीं है, ये पूजा करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सरदार हैं, हम लोगों ने कहते पूजा वाली जगह पे रखी। हम लोगों ने ना जोड़े गुरुजी के जहाँ पे गुटका जो होता है जिसमें पाठ करते हैं, हमने उसके साथ रखे। जो हमारे रिलेटिव आए कहे ये दोनों पागल हो गए हैं, ये मतलब गुरुद्वारे के गुटकों के साथ ये जोड़े रखे हैं। गुरुजी कहते हैं ये जोड़े पूजा वाले हैं, ये पूजा करने, और इतनी अभी भी उन जोड़ों में जो गुरुजी ने जुतियां दी थी उनमें अभी भी फ्रेग्रेंस आती है, एक पैरेट ग्रीन कलर की, एक ब्लैक कलर की, दो जोड़े गुरुजी ने हमें दिए हैं। कहते हैं ये पूजा करने वाले हैं, ये ऐसे रखने वाले नहीं है। तो मेरे को जो है गुरुजी बोलते थे ना, गुरु कहते थे सानी ए जो है मेरे जोड़े अपना मेरे कपड़े जितने भी अगेन सामने जो है खड़े होके कराया कर, ए कपड़े वो कपड़े ना समझो ना कोई ऑर्डनरी कपड़े, अगेन ए मक्का मदीना जो चीजें रखी हुई हैं उस तो पवित्र मेरी चीजा गई हैं, तो कहते हैं जो है बड़ा जो है उदे रखी होना ते उदे जो है कराया कर होना, मैं हाँ जी गुरु जी होना, तो मतलब जो है कहते थे ये चीजें जो मेरी मक्का मदीना में रखी हुई चीजें हैं उससे भी पवित्र ये चीजें हैं मेरी होना, कहते मेरे तो कपड़े कितने रख ले हो। पूछे कि कपड़े का मैं गुरुजी की अलमारी हगी है, तो गुरुजी को पता सब था, वो तो वैसे ही वो ना मुंह से वो करवाते थे वो ना, तो मैं गुरुजी अलमारी रहती हुई हाँ हाँ ठीक है वो ना,
तो ऐसे जो है गुरु जी के साथ जो है मतलब जो है वो गुरु जी छोटी छोटी चीजों के लिए, तो ऐसा जो है हमारे साथ जो है तकरीबन छोटे छोटे इंसिडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो हम जो है वही सोचते हैं अब तो गुरु जी ने जो है कैसे कैसे हमारा जो है वो किया वो नाम। तो एक बार जो है अपना क्या कहते हैं उसे गुरु जी के जो है जोड़े जितने हैं वो ये देखो कि जो है काले वाले जो है जो गुरु जी का एक हफ्ते में तकरीबन काला जो है सेट गुरु जी जो है पहनते ही पहनते थे ना। तो गुरु जी उन चोरों में भी बोलते थे काले वाले जोड़े में भी कहते साज लगानी है। मैं जो है अपने वर्कर कारीगरों को बोलूं, मैं कहा भाई साज लगनी है इसमें, तो बेटे साज लगनी है इसमें। कहते जी साज कैसे लगाएंगे सर, ये तो काला है इसमें तो सफेद निशान आ जाएंगे। मैं क्या मुझे नहीं पता, जो तुमने करना करा, मुझे गुरु जी ने बोला है इसमें स्टार्च लगानी है तो लगानी है। तो क्या करते थे फिर स्टार्च के अंदर नील डाल के ना, स्टार्च के अंदर उस टाइम नील डाल के फिर हम गुरु जी के फौरे से जो है वो कपड़े जो है वो ना करवाता था मैं। मतलब ऐसे जो है गुरु जी जो है मतलब जो है ऐसी ऐसी चीजें होती थी जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो है ये हो सकता है वो ना। फैसिलिटीज का सर्ट है वो मेरे पास बढ़िया। तो वही बात है मतलब जो है गुरु जी जो है एक छोटी छोटी चीजें जो है मतलब जो है एक बार जो है मैं शाम को जो है उस दिन भी जो है वो मतलब संगत का दिन नहीं था बोला, तो मैं जो है गुरु जी ने मुझे बुलाया मैं पहुंच गया बोला। शाम का टाइम था तो गुरु जी जो है अंदर जो है अपने कमरे में नीचे जो है जैसे जो है बेड कवर टाइप बिछाया हुआ था वो गुरु जी जो है नीचे जो है लेटे हुए थे। तो उस दिन जो है मुझे जो है वो कर करा के जब मैं रात को छुट्टी होने लगी तो मुझे मतलब शाम को जब थोड़ी देर बाद गुरु जी ने मुझे छुट्टी करी तो मुझे कहते गुरु जी कहते ऐसा नहीं है तेरा प्रसाद हो, वो जितना भी बिस्तरा पड़ा हुआ था गुरु जी ने सारा का सारा मुझे दे दिया, कहते तेरा प्रसाद हो। तो ऐसे गुरु जी जो है इतना मतलब जो है कुछ जो है मतलब इतना जो है करते थे बोला, मतलब छोटा छोटा जो है हम सोचते हैं कि गुरु जी मतलब हमने मतलब क्या किया वो ना अपनी लाइफ में जो है इतना गुरु जी ने प्यार किया और हम जो है बिल्कुल भी जो है आगे जो है मतलब उस टाइम जो है समझने नहीं दिया गुरु जी ने, बिल्कुल भी समझने नहीं दिया। मतलब वही है कि पर ये बात थी मैं जो है लेकिन मैं रुकता नहीं था, मैं जो है उस टाइम काम भी बहुत होता था, गुरु जी कहते चाट दया कर बना काम मंदी जो ना कितना कर, सही बात है मैं गुरु जी के पास होता था तो उससे काम इतना ज्यादा होता था। कहते जी खैर वो लड़के वगैरह बोलते थे कहते कहते इतना हाल हुआ जी वरना पूछो नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है उनके पास कुछ जो है हमें जो है उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसा संभाला पूछो नहीं हुआ। तो गुरु जी ने जब लास्ट जो है 27 जो है मई की बात है 27 मई लास्ट जो संडे था, पर गुरु जी ने हाँ थोड़े मैं वही बता रहा था गुरु जी ने तकरीबन 5 4 5 महीने पहले जो है ना चोले जब आते थे गुरु जी ने प्रसाद में बांट देते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ गुरु जी ने चोले बांटने बंद कर दिए। गुरु जी कहते थे जो है सानी नीचे जो है बेड में जो है जाके जो है दो सेट जो है हफ्ते रखा, क्योंकि 4 सेट गुरु जी ने पहले, 2 सेट तो हमेशा हफ्ते में बनने बनने होंगे हर हफ्ते बनने बनने, तो 2 सेट जो है गुरु जी जो है वो कहते थे वो दराज नीचे रखा वो बेड दे वो बॉक्स में जाग दे। तो ऐसे करते करते जो है गुरु जी जो है हर हफ्ते कहते फिर गुरु जी कहते कहते पंजाब जावांगे ना उत्थे जाके जो है थोड़ा टाइम रेस्ट करांगे। तो मैंने कहा गुरु जी जो है पंजाब गए ना, तो गुरु जी जो है पहले भी गए थे तो जो है वही साल बाद वही 8 9 महीने बाद वापस आए थे, मैं कहा इस बार भी गए तो साल बाद जो है वापस ना आए कहीं होना, तो मैं कहा कैसे करेंगे हम, तो ये सोचता रहता था। लेकिन जो है गुरु जी जो है उस टाइम जो है कई बार बोलते थे सानी साहब कुछ साढ़ा भी कल्याण करो, तो ऐसे जो है अंदर होते थे कमरे में साढ़ा भी कुछ कल्याण करो। तो 27 मई को जो है लास्ट दिन जो है 27 मई को जब संगत थी संडे को उस दिन काफी लोग आए हुए थे, बिटा बिटा बिथा सब थे वो ना, तो गुरु जी उससे काफी बोले हो ना काफी जो है मतलब गुरु जी वैसे अमूमन बोलते तो नहीं थे, किसी इंडिविजुअल को बिठा के बात कर रहे होते थे अलग बात थी, उस दिन गुरु जी बहुत बोले हो ना बोले। उसके बाद जो है लास्ट में जब संगत जो है खत्म हुई वो ना रात को जो है गुरु जी ने जो है मुझे मैं गुरु जी के जो है संडे का दिन था वो, तो मैं जो है अंदर गया गुरु जी का जो है समान समून जरा जो है गुरु जी ने उठाया मैंने सब जो है बाहर, गुरु जी ने टी शर्ट पैंट पहनी तो उस सब जो है मैं उठा के मत्था टेका गुरु जी को। तो उस समय पर जब अंदर जाए वैसे ही कहते 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 मतलब बीच में कई बार ऐसे कहते हैं सारी बड़ी वो ना घबराहट है, हम तो बोलते थे वो जैसे मतलब जो है गैस हो गई या कुछ हो गया, हम ये हमें क्या पता था बोले गुरु जी जो है अपना जो है क्या प्रोग्राम बना के बैठे हुए। तो मुझे जो है उससे जो है मैं जब सामान लेके जाने लगा थैले उठा के जाने लगा तो गुरु जी ने जो है उससे जो है मुझे जो है जाते हुए जो है बोला मुझे कभी नहीं ऐसे बोला थैंक यू होना, कहते सानी साहब थैंक यू होना, सानी साहब थैंक यू होना नमस्ते होना। तो मैं कहा गुरु जी ने मुझे थैंक यू तो कभी नहीं बोला ऐसे होना, कह रहे हैं होना जो है जाते हुए। उसके बाद जो है 3 तारीख को मतलब रात को ऐसे हुआ और जो है ऐसे ऐसे वो भी हुआ, पता नहीं था कि ऐसे सब होगा, लेकिन वही बात है उनकी मर्जी वो, तो उन्होंने तो जो है उस टाइम
वही बात है, थोड़े बहुत हम संगत गुरु जी को पूछना पड़ता था, संगत को लेके आओ या कितने बंदों को जो है पूछना पड़ता था। अब तो दुनिया जो है इतनी दुनिया का गुरु जी कल्याण कर रहे हैं, इतनी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं अभी पीछे बच्चों के वहाँ बच्चे के बेटे के यहाँ गया हुआ था, कनाडा होना टोरंटो था, तो वहां पर जो है बताइए अब 4-5 जगह जो है गुरु जी का सत्संग था गुरु जी के बर्थडे में। तो जो है कहीं 2-3 जगह से मुझे बोला कि आपने आना है होना, तो मैं फिर जो है एक जगह शेखर भैया है वहां पर होना, तो सुधांडी के ब्रदर उनके यहाँ गया होना। तो ऐसे जो है अब तो इतनी संगत है पूछो नहीं, इतनी संगत है। तो हमारे साथ जो है एक इंसिडेंट और सुना है, तो अंकल टाइम तो नहीं होना ऐसा कुछ होना, तो एक एक सत्संग और शेयर कर देता हूँ। ये गुरु जी के बाद वाला सत्संग है, मतलब जो है गुरु जी ने छोड़ा छोड़ा उसके बाद की बात है। तो हम अंकल जो है यू हैव अच्छा टाइम, अंकल आपके तो अभी 20 मिनट बाकी हैं। जी अच्छा, चलो ठीक जय है। गुरु जी, हाँ ठीक है जी। तो मैं जो है हम जो है क्योंकि जो है देखिए बड़े मंदिर तो ठीक है जाते ही हैं, तो वैसे जो है हम गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद जो है, हाँ गुरु जी के जो है जब जिस दिन जो गुरु जी ने 31 मई का जो है उसके बाद जो है जब हम इतने पता इतना रोए भाई क्या हो गया ये हमारे साथ, हम हमारा क्या होगा, लेकिन होगा क्या, वो तो सब कुछ जो है करने कराने वाले वही हैं, उन्होंने क्या प्रोग्राम। और ये देखिए गुरु जी का जिस दिन की वो था जो है उस दिन जो है पूरे मंदिर में इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी फ्रेग्रेंस ऐसे इधर उधर से भाग रही थी, ऐसे भाग रही थी जैसे पूरे जो है गुरु जी चल रहे हैं सब तरफ, तो इतना ज्यादा था होना गुरु जी का होना। तो तब हमें जो है हो गया नहीं, गुरु जी हमारे साथ ही है, बिल्कुल साथ में है। तो हमने तो बड़े मंदिर में जो है बड़े मंदिर में हमने ऐसा था कि शिव जी की जो बाहर जो है जो मूर्ति है वो जो है मूर्ति को रियली हमने जो है पूरा का पूरा रात को, कभी रात को 11:30 बजे, 11:30 11:30 के बीच की बात है। तो उस टाइम जो है क्योंकि हम लोग जाने का टाइम था, हम जा रहे थे, हम सिर्फ 7 8 8 लोग 10 लोग थे वो राजी जो जाने के टाइम, वहां जैसे मूर्ति में माता जो है देख रहे थे, तो देखा कि जो है सब ने देख के हैरान हो गए, हम जो जितने भी 3 4 थे 5 उन सबको देखने लग गया कि गुरु जी की जो है चेन जो है पूरी ट्विस्ट कर रही है, इधर उधर ट्विस्ट कर रही है, आंखें जो है इधर उधर हो रही है, तो ऐसे जो है होने लग गया है। हमने वीडियो भी बनाई और वीडियो जो है ये देखो उसके बाद वीडियो जो है सबके पास थी होना कि जितने जिन्होंने रिकॉर्ड किया है वो, उसके बाद वीडियो नहीं मिली जी हमें, वो वीडियो मिली नहीं, कहाँ गई, किसी के पास नहीं है वो वीडियो। तो गुरु जी की पूरी चेन जो है हिल रही थी वहां पर, पूरे लिप्स जो है आई जो है पूरे इधर उधर हिल रहे थे, पूरा जो है पूरा हिल रहा था होना, पूरी वीडियो बनाई हमने, नहीं जो है वो तकरीबन 7 8 मिनट जो है गुरु जी ने ये दिखाया हमें सब। तो हाँ शिव जी का, हाँ, तो ऐसे जो है गुरु जी के साथ जो है। तो मैं गुरु जी के जो है बात का एक आपको सुनाता हूँ, मैं जो है गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद, तो हम जो है बैंड सेट जो है हमने जो है एक प्रोग्राम बनाया कि हम क्योंकि गुरु जी पालमपुर भी गए थे वो ना, तो सुधा हंडी का वहां पर जो है वहां पर तो जो है काफी बड़ा स्टेट है, तो वहां पर जो है गुरु जी गए थे, तो सुधा हंडी ने बताया, तो हमने कहा ठीक है जी जो है हम सारे जो है तकरीबन 10 फैमिली थी बस करके, हमने कहा चलो हम भी जो है पालमपुर चलते हैं। तो हमने गुरु जी का जो है बस में पूरा गुरु जी का आसन वासन लगाया, पूरा जो है गुरु जी का कम्बल उम्बल रखा, सर्दी के दिन मार्च का दिन, मार्च का, हाँ मार्च की बात थी, मार्च मतलब फरवरी लास्ट और मार्च की बात थी, तो हम जो है रखा और जो है हम जो है पालमपुर जो है गए। पालमपुर गए तो हमने गुरु जी का एक नीचे रूम था, वो पूरा गुरु जी का पूरा रूम रखा, उसमें जो है गुरु जी की फोटो वोटो सारा जो है पूरा आसन वासन गुरु जी जो के लगता है, सिंहासन हाँ वो पता जो है वो सब लगाया हमने पूरा जो है। तो उसके बाद जो है वो हम जो है उसमें उसके बाद एक दिन जो है हम घूमे फिरे, उसके बाद जो है धर्मशाला जो है हम धर्मशाला जो है एक दिन के लिए हमारा जो प्रोग्राम था धर्मशाला जाने का, हम धर्मशाला जो है ऊपर गए मैक्लोडगंज, तो बस जो है बाहर खड़ी कर दी, तो बाकी सब जो है हम जो है आ गए मार्केट की तरफ बाजार की तरफ आ गए। कुछ जो है हम जो है वहां आगे थोड़ा वो कहते हैं जी वो वहाँ उनका जो तो जो है दलाई लामा है उनका जो है वो देखने जा रहे हैं, कुछ ने कहा नहीं हम तो जो है बैठ के जो है काफी, वो भी दलाई लामा के गए नहीं, वो वहां से वापस आ गए, तो बाकी लोग कहते हैं जी हमने कॉफी वॉफी पीनी है, तो वो लोग कॉफी पीने के लिए वहाँ सामने जो था वहां पर कॉफी और सामने दिखा, तो कहते यहाँ कॉफी पी लेते हैं, तो हम भी गए, हम पता नहीं बाहर आ गए थोड़ा सा, हम अंदर गए हम लेकिन बाहर आ गए, हमने कहा कॉफी हमने नहीं पीनी, तो वो बाकी लोग कहते हैं हम चाय पीने चलते हैं, चाय पियेंगे वहाँ, तो ये हम तकरीबन ये 4 लोग जो है 5 लोग जो है कॉफी पीने के लिए जो है वहां पर जो है रुके हुए, तो अंदर जो है रुके जहां पर अभी बाहर ही थे क्योंकि वहां पर अंदर कह रहे थे अभी जो है रुको हुआ ना वेटिंग है, मतलब अंदर जगह नहीं है तो वेटिंग है वो ना, तो वहां पर जो है कोई थी वो ना जो है आंटी सी आंटी थी वो ना, वो जो है कुछ बेच रही थी कुछ वो ना फ्रूट सा कुछ बेच रही थी वो ना, तो वो बेच रही थी वो जो है वो वहां पर खड़े हुए थे अभी, तो खड़े हुए थे क्या हुआ कि वो जो वहां का छज्जा था पूरा का पूरा जो है वो पूरी कलेप्स होके नीचे आ गई,
ये लोग जो है पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी ने जो है पता इनको जो है थोड़ा सा इधर कर दिया, ये सारे के सारे मतलब थोड़ा सा आगे होके पता इनको जो है किसी को क्रश नहीं आई। जो आंटी वो बेच रही थी उसको जो है उसको लगी थी वो ना, उसको लगी थी वो ना, तो उसको लगी थी वो जो है अपना क्या कहते हैं उसे लगी हो ना, उसको जो है फटाफट फिर जो है पुलिस की गाड़ियां वगैरह आ गई सब जो है उसको जो है हॉस्पिटल वगैरह। उसके बाद हम तो आ गए वहां से, हमने कहा चलो सारे के सारे सबको जो है कम से कम जो ये चार पांच जो भी थे हम लोग इनको जो है बचा लिया होना गुरु जी। तो इसके बाद जो है हम जब रात को पालमपुर पहुंचे और गुरु जी के कमरे में गए और गुरु जी का कमरा खोला, हमने थैंक यू करने के लिए गुरु जी के जो है अंदर गए, तो इतनी फ्रेग्रेंस पूछो नहीं, इतनी फ्रेग्रेंस कमरे में फैली हुई थी पूरी। तो वही कह रहा हूँ इतनी फ्रेग्रेंस होना उस टाइम गुरु। हम काफी देर बैठे फिर गुरु जी के, हमने वहां सत्संग वगैरह किया है वो ना जो है बैठे काफी देर। तो उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ ये देखिए, ये इंसिडेंट कैसे होना जो है सत्संग बनना होता है। तो उसके बाद जो है हम जो है आगे पालमपुर से जो है एक हफ्ता रहे हम वहां पर जो है, एक हफ्ता रह के जो है हम वापस आए। वापस आए तो अपना संजय अंकल है उनकी फ्लावर का आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान है अपना इसमें करोल बाग फार मार्केट में। तो उनके यहाँ जो है एक कस्टमर आया थोड़े दिन बाद, मतलब महीने बाद ही तकरीबन होना, एक कस्टमर आया तो उन्होंने इन्होंने ऐसे ही कहा कि आप कहाँ से हो, उन्होंने कहा जी मैं मैकलोडगंज से हूँ, फ्लावर वाला लिए तो उन्होंने कहा मैकलोडगंज से हूँ। तो उन्होंने कहा जी हम भी मैकलोडगंज गए थे, वो कहते मैं डॉक्टर हूँ तो कहते हैं मैकलोडगंज गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहां पर एक हमारे साथ हादसा ऐसा हो गया। कहते अच्छा, वो कहते जो है लेडी को जो है ये देखो लेडी को जो हमने मतलब यहाँ आके प्रेयर करी गुरु जी पता उसको जो है कुछ ना होने देना, हम आके जब रात को आए थे पालमपुर तो हमने यही प्रेयर की गुरु जी उसको कुछ मत होने देना, उसको जो है ठीक रखना। तो हम जो है जब वहां पर उनको वो मिले डॉक्टर तो उन्होंने बताया जी वो कितने दिन कोमा में रही है, वो कोमा में रह के जो है 15 पता नहीं कितने दिन बाद उसके बाद कोमा से जो है बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल कोमा से बाहर आ गई बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे जो है गुरु जी ने उसको भी सेव किया उन्होंने। तो ऐसे गुरु जी के साथ जो है मतलब ये देखो कि गुरु जी उन्हें कैसे कैसे किसी का जो है वो कर रहे हैं उन्हें। अब ये बात जो है अब ये 2016 की एक और बात है, ये तो 10-12 साल पहले की बात है जो बता रहा हूँ पालमपुर वाली, ये 2016 की बात, 2016 की बात है। मैं अपनी शॉप पे जो है मैं गुरु जी का क्योंकि फोटो मेरी गुरु जी की जो है तकरीबन 2000 से ही जो है जब मैं गुरु जी के पास पहुंच गया था मैंने फोटो अपनी दुकान पे लगा दी थी, कैलेंडर वैलेंडर जो मिलता था वो सामने लगाता था, जो भी आते थे पूछते थे मैं कहते हमारे मेरे गुरु जी है वो, बस इतनी बात होती थी। तो जो है कुछ वो करते थे कुछ जो है नहीं होना जो है उस टाइम कोई समझता नहीं था, गुरु जी कहते थे अपने दोस्त यार मार्केट वाले ने दसा कर, मैं गुरु जी हाँ जी मैं बताता था सत्संग करता था उनके साथ शेयर करता था, लेकिन कोई जो है वो नहीं करता था, सब जो है सुन के इग्नोर करते थे, मतलब जो है भाई सुन लेते थे लेकिन जो है मतलब कोई वो नहीं करता था कि हमें चलना है होना। संगत लेके तो आया गुरु जी मुझे कहते थे संगत लेके आया कर होना, हाँ संगत लेके आया अपने जो है तो यारा दोस्तों ने लेके आया, तो वो मैं जो है ऐसे हुआ। तो उसके बाद जो है ये देखो अब जो है मोस्टली तकरीबन जो है जितने भी जो है जाते हैं अब जो भी है वो सारे कहते हैं उस टाइम हमारे से बड़ी गलती हो गई, तो तू बोलता रहता था वो ना जो है हम जो है जाते, मैं कहा तुम्हारा जाना अभी लिखा हुआ था जब गुरु जी के दर्शन करने लिखे थे तभी तुम पहुंच सकते हो उनको उनके पास, ऐसे तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, ऐसे तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। बुलाया तो वही कह रहा हूँ इतने सारे जो है ट्रैकनीर, सही बात है इतने सारे ट्रैकनीर मुझे ही क्यों बुलाया उन्होंने गुरु जी ने नोएडा से, वो भी होना इतने सारे ट्रैकनीर थे वो होना, सरदार हो तो गए वो भी जो है वो ना क्या मेरा कितने कल्याण किए हैं कितने मेरे कर्म काटे हैं इतने क्या क्या किया है वो तो मैं तो जानता नहीं, ये तो गुरु जी जानते हैं होना। तो ऐसे जो है 2000 ये 16 की बात बता रहा हूँ, 2016 में जो है एक आंटी जो है मेरी मतलब कस्टमर है मेरी, तो वो जो है मेरी दुकान पे कहती है आप गुरु जी के जाते हो, ये बात दिसंबर की है, तो मुझे कहते गुरु जी क्या जाते हो, मैं कहा हाँ जी गुरु जी के जाता हूँ ना, तो कहती मेरी जो है फरीदाबाद जो है मेरे भतीजी वो जो है वो भतीजे की वाइफ जो है वो भी जाती है, वो भी उसने भी मुझे गुरु जी के बारे में जो है मतलब वो भी जाती है, मैं कहा ठीक है जी मैं जाते होंगे। तो मुझे कहती हो ना जो है अपना इतना बोला, कहती मुझे भी ले जाने के लिए बोल रही है, तो मेरे बेटे को जो है कैंसर हो गया है, तो मेरे बेटे को कैंसर हो गया है तो मैं जो है मतलब इधर डावाडोल हूँ मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ये जो है वो अभी जाके मेरे से गई, मैं कह बिल्कुल जाओ आप, तो इतना कहा। उसके बाद वो अभी केमिस्ट शॉप पे खड़ी थी, साथ में तीन चार दुकान, तीन दुकान छोड़ के केमिस्ट शॉप थी वहां खड़ी थी बाहर। तो मेरे दिल में पता नहीं क्या आया मेरे पास गुरु जी की कभी कभी पोलोराइड फोटो उस टाइम मतलब पीछे तो होती थी काफी होती थी, तो मैं पोलोराइड फोटो थी मैंने उसको आंटी को दी, मैंने कहा आंटी ये जो है फोटो जो है ले जाओ इसका जल बना के जो है बेटे को पिला, तो उसने जो है वो जल पिलाया। उसके बाद जो है वो बड़े मंदिर चली गई फर्स्ट, तो जैसे 31 के बाद फर्स्ट को होना वो बड़े मंदिर भी चली गई, वो वहां जाके जो है रोई बहुत हुई ना। तो ये देखो कि उसके बाद जो है ये
जनवरी में गई है, फरवरी के बिड के बाद जो है उसके बेटे का जो है फिर टेस्ट होने से, दोबारा सारे टेस्ट होते हैं जो, वो उसका जो है पेट स्कैन वगैरह सब होना था, तो वो जो है पेट स्कैन जो है होना था हुआ जैसे, उसके बाद जो है अगले दिन जो है रिपोर्ट आनी थी उसकी, अगले दिन जब भी मतलब डेट थी उसकी रिपोर्ट आनी थी। और रात को जो है 12:30 बजे बाहर से कोई फॉरन से जो है आंटी का फोन आया, ये जब तक फेसबुक में 2 महीने में काफी संगत से जुड़ गई थी उन्हें, तो उनका जो है इसको फोन आया, कहती जो है गुरु जी रात को 12:30 की बात है, गुरु जी मेरे को लाए अगेन और बोल के गए मैं सारी डॉक्टर की रिपोर्ट आप उठिया कर दी है, जो है सारे उदे मुंडे रुक जाए कुछ नहीं होना होना, तो ये बोला सारे डॉक्टर की रिपोर्ट जो है मैं पुठिया करती है। तो सुबह जो अब जो है 11:30 11 बजे जब रिपोर्ट आई है वो देख के हैरान हो गई कि वो जो है सब जो है जो जो है पॉजिटिव में आ रहा था वो नेगेटिव में था। तो ऐसे जो है गुरुजी जो है ऐसे कल्याण कर रहे हैं लोग, ऐसा जो है बोना जो है सबको जो है मतलब वो कर रहे हैं। तो आपके अपने वही बात है जी, देखो मैं तो यही जानता हूँ आपकी डेस्टिनी सबकी अपनी अपनी वो है, सबका पहुंचने का तरीका भी अलग अलग है वो ना, लेकिन जो है वहां के अलावा कोई है नहीं होना, कुछ भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि वहां से जो है भाई जो है मंदिर से अच्छा कोई मंदिर नहीं है, ऐसा मंदिर तो सही बात है हमने भी जो है कहीं कभी जो है कहीं नहीं देखा हुआ होना, इतनी इतनी पॉजिटिव जो है वहां पर जो है इतनी वो है वो ना पूछो नहीं। वो तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जो है बस इतना ही और बाकी कुछ जो है कुछ हुआ तो मैं जरूर जो है बाकी शेयर करूंगा वो ना आपसे। अंकल हो गया टाइम जी, बाकी है कुछ अभी? जय गुरु हाँ जी, ओवर टू यू जी गुरु, जय ओवर टू यू गुरुप्रीत आंटी। हाँ जी हेलो जय गुरु जी। जय शुक्रा गुरु शुक्राना अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम, बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने इतनी प्यारी। मैं आपको गुरुजी की अलमारी दिखाना चाहता हूँ एक बार जरूर जी जरूर। मैं आपको उनके चोलों के जो है संगत जो है देख रहे हो ना। हाँ, ये देखिए हो ना, ये जो है गुरुजी का सारा जो है सामान जो है, ये गुरुजी के चोले वोले सब जो है यहाँ पर है मेरे पास हो ना, ये देखिए। दिख रहा है जी वाह जी, गुरु जी महाराज, महाराज धन गुरु जी महाराज। ये देखिए गुरु जी के ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट हैं गुरु जी के, ये दो ब्लैंकेट हैं यहाँ पर दिखा, ये गुरु जी की शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं, कुर्ता वुर्ता जो मुझे सब दिया हुआ है सब मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ये स्कार्फ वगैरह दिए, ये गुरु जी के जोड़े, ये गुरु जी का बेड कवर, देखें जी। वाह जय, मैं इतनी देर वाह से यही सोच रही थी कि मैं अंकल से बोलूंगी कि मेरे को जरूर देखने आना है, क्योंकि गुरु जी को तो आंटी नहीं मिल हरविंदर आंटी, पाए। मैं भी नोएडा में रहता हूँ, मैं तो किसी महीने देखने आऊंगा। जय गुरु जी। ये देखो ये पूरी अलमारी जी हमारी गुरु जी की जो है पूरी उससे भरी हुई है जी, पूरा जो उनका प्रसाद दिया हुआ है सारा, ये सारा वहीं पर है जी, सारा जो है बेड कवर, ये सारा जो है सामान वामान सब जो है गुरु जी ने दिया हुआ उन्हीं का है सारा अपना उधरों भी दिखाओ ना, फिश बढ़िया हो गया से। ये हाँ एक बार का और मैं छोटा सा सुनाता हूँ, ये जो फिश पॉट ये पड़ा हुआ है, ये प्लास्टिक एक्चुअली में एक वैक्स वाला जो है कैंडल जो होती है वो है ये, वैसे ये कैंडल वाला वो है, ये जो सामने लगा हुआ है ये कैंडल का वो है, कैंडल है एक तरह की, और इसमें फिश वगैरह बनी हुई है सब बना हुआ है। तो ऐसा हुआ कि ये जो है इसके लिए भी गुरु जी जो है अपने वहां काउंटर पे बैठे हुए थे, काउंटर पे बैठे हुए थे तो गुरु जी जो है काउंटर पे बैठे हुए थे उस दिन, मतलब अभी संगत का टाइम नहीं था, तो जो है शाम का टाइम था तकरीबन वही जो है 6 साढ़े 6 बजे के बीच में टाइम था, तो अभी दरवाजा वगैरह कुछ नहीं जो है सब बाहर ही थे, वगैरह सब जो है बाहर ही थे। तो क्या हुआ तो मुझे जो है वहां कोई ये लेके आया, तो वहां काउंटर पे रखा था साइड में, तो वो लेके आया गुरु जी के लिए बना, तो गुरु जी ने जो है मुझे कहा सानी ए तू जो है फटाफट जाके गड्डी रखा है, मछलियां ए बछलियां जाके उठा के जो है फटाफट गड्डी रखा है ना, ते वो मेनका आने वाली है वो देखेगी ते बोलेगी मछलियां की, तो ये जो है प्रसाद जो है गुरु जी ने ऐसे मुझे जो है मतलब इसमें जो है वैक्स है पूरी होना, कैंडल टाइप होता है वो है पूरा होना
तो ऐसे गुरु जी छोटी छोटी चीजें सारी जो है ऐसे जो है वो ना करते थे, वो ना ऐसा वो ना पिलो वगैरह सब ये गुरु जी का दिया, वो सब कुछ जो और है टू रिपीट आंटी जी जी जय गुरु जी। बहुत प्यारे सत्संग सुनाए अंकल जी और आंटी हमसे जी आपने। आप दोनों बहुत भोले तो भाव से वही बात है जी, वो करा नहीं जाता, डर भी लगता है कोई गलती ना हो जाए। हाँ जी हाँ जी जी सेम, अचानक गुरु जी का बुलावा आया कुछ, तो आपने हाँ जितने सत्संग सुनाए तो वो आंटी जैसे सुई धागे के लिए हड़बड़ा गई, हाँ और जैसे चरण पादुकाएं पहनानी थी तब घबरा गई। तो मैं कह रही हूँ बहुत भाग्यवान रहे हो, शायद दिव्यानु फल लग दे या कोई किसी जन्म का आपका बहुत ये वाला। देखो आंटी, हमने ना फिर गुरु जी ने हमें ना एम्पायर से मैं छोटे पैर मंदिर पे का ना छोटे मंदिर में जितनी सीढ़ियां का था ना, सीढ़ियों हमें का था, सारे टुकड़े दिए थे मुझे, टुकड़े कहते टुकड़े दिए। फिर हमने सारी है तेरा प्रसाद हो जा। टुकड़े टुकड़े फिर किसी को बुला के घर हमने पे। कारपेट पूरा जो है स्टिच कराया, पूरा कारपेट बनवाया फिर इसका, फिर वो अब इसके बाद दूसरा ये प्रसाद मिला था अभी तो फिर छोटे हमने ये मंदिर लगा। से ये मिला है, हाँ पहले गुरु जी ने ये दिया था। गुरु जी ने ये जब कारपेट रखा था, ये ग्रीन वाला भी कारपेट लग रहा था ना जब, तो गुरु जी ने मुझे बुलाया जब ये प्रसाद देने के लिए, तो ये कारपेट लग रहा था ग्रीन वाला। तो गुरु जी कहते वो ना सानी, वो ना जो है कारपेट 10 सीढ़ी, गुरु जी सीढ़ियों पे ऊपर खड़े थे, तो मैं ऊपर गया माथा टेका गुरु जी को, गुरु जी कहते सानी 10 से कारपेट के साथ है। मैंने हाथ लगाया उसके अंदर जो है बड़ा डेप्थ बड़ी अच्छी थी, और तो मैं कहा गुरु जी बहुत अच्छा कारपेट लगा, बहुत अच्छी डेप्थ आ गई। गुरु जी कहते 10 साल की छुट्टी करती हुए, मैं कहा गुरु जी 10 साल की छुट्टी, गुरु जी तो जो है गुरु जी तो जो है 6 महीने में कारपेट उतरवाए देते थे, पता उस टाइम तो पता था ना गुरु जी ने चोला छोड़ना है, इसलिए जो है वो सही बात है, 10 साल बाद 11 साल बाद उतरा ये कारपेट होना ग्रीन वाला। ऐसे गुरु जी जो है गुना कल्याण करते हैं ना। जी, गुरु जी ने बहुत आपका भी कल्याण किया। आप हाँ भाग्यवान है उनके दर्शन कर पाए, और हम आपके थ्रू दर्शन कर रहे हैं। आप जो सुना रहे बिल्कुल हो बिल्कुल लाइव हम फील कर पा रहे थे। बहुत आनंद आया सुन के। गुरु जी जैसे आपको ब्लेस किया, हम सबको भी वो तो देख पा रहे हैं। कल्याण एक बार इनको ना, आपको लेट ना हो जाए, एक बार गुरुजी ने ना जी एक बेड कवर दिया, तो कहते हैं सानी ये बेड कवर ले जा, ते ए बेड कवर ले जा, इन्हू बिछाना नहीं है। मेरी गल तू समझ रहा ना मैं की कह रहा हूँ गुरु जी? क्या इन्होंने बोला, हाँ जी हाँ जी, मैं गुरु जी मैं समझ रहा। मेरी किट्टी थी तो ये मैंने बिछा लिया, बड़ा अच्छा बेड कवर, इतना देख के सारे खुश हुए कि इतना सोना बेड कवर है। जब ये आए घर पे, कहते ये तूने क्यों बिछाया? मैं कह मुझे अच्छा लगा। कहते गुरु जी ने मना किया था कि ये यूज नहीं करना। फिर हमने उस दिन के बाद उसको पैक कर दिया, उसको वहीं रख दिया कि जैसे गुरु जी ने जैसे जैसे जोड़े दिए थे। हम लोग सरदार हैं जैसे, तो सब देखते थे, रिलेटिव ये पागल हो गए दोनों, ये गुटकों जो जिसमें पूजा करते हैं ये लोग दोनों पागल हो गए कि मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की चीजें ये जोड़ जुतियां रखी हुई साथ में। तो हम ना इफ एंड बट में इतने रिलेटिव के चक्कर में, मतलब अब हमने परवाह करनी बंद कर दी कि गुरु जी ने मतलब क्या हमें से क्या कर दिया था, पूछो मत। इतनी मेरा गुरु जी की, मतलब गुरु जी ने पीछे हमें जाने नहीं दिया, मतलब ऊपर ही जाने दिया। बच्चों को इतनी ब्लेसिंग दी है, मेरे को मेरी टांगों में दर्द वो ब्लेसिंग दी है, सबको गुरु जी ने इतना किया पूछो मत। मतलब इतना हमें उन्होंने गुरु जी ने प्यार दिया है बस। जी, हाँ जी सिख हाँ जी फैमिलीज में ये होता है, पर हाँ ये जी भी शायद गुरु जी की चॉइस होती है, क्योंकि ये शायद हमारी टेस्टिंग भी होती है कि हाँ जी कैसे मैनेज करते हैं। तो ये आप, ये पहले मैं भी यही सब सोचती थी, पर अब मुझे लगता है ये सब गुरु जी की चॉइस से ही हो रहा होता है कि एक अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, साथ खड़ा हो जाता है। तो हाँ, ये हाँ एक 2004 की बात है, पता नहीं 5 की बात है, गुरुजी ने ना शिवरात्रि के लिए कार्ड मतलब छुपाए थे। तो कहते हैं तू किसी, अच्छा 6 की 2006 बात है, शिवरात्रि की बात है, कार्ड गुरुजी ने छुपाए थे रेड कलर, मुझे याद है। तो कहते हैं कि ना शोकी आंटी ना तेरे घर तुहाडे वाल आएगी, तू लैके ना सबने घर घर च कह के आना है। मैं कहा ठीक है गुरु जी। मैं फिर वो आंटी को बोला, मैं कहा आंटी मैंने सत्संग नहीं करना आना, मैं ले जावांगी तो उन सबने कहा बट सत्संग मुझे नहीं करना आता। कहते ठीक है। हम जहाँ आंटी गए ना, वहां पे सब कहे चाय पी लो, कोक पी लो, ये खा लो वो खा लो। हम गुरु जी के बारे में वो बताए, कुछ सुने ही ना, कुछ सुने ना। फिर हम नेक्स्ट डे जब गुरु जी के पास छोटे मंदिर पहुंचे ना, तो गुरु जी ने कहा हाँ आंटी हो है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी हो है, बट किसी ने जिदे घर गया सब दे राधा स्वामी जी फोटो लगी हुई सी, और कोई कहे चाह पी लो कॉफी पी लो। कहने तुसी हो है ना, बस ठीक है, तुसी इनविटेशन दिया हो,
ਬੁਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ 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 ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤੇਂ ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਯੇ ਕਹਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ, ਜੈਸੇ ਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਤੋ ਐਸੇ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਪੂਛ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਬਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਮੇ ਬੋਲਾ, ਇਨਕੋ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਬਾ, ਆਪ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਜੂ ਮੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚ, ਮਤਲਬ ਕਹਤੇ ਹੀ ਜੈਸੇ ਆਪ ਬਲੀਵ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪਰਫੈਕਟ ਰੂਹਿੰਗ ਰੂਹੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਜੂ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਹੀ ਕੋ ਮੈਨੇ ਪਕੜ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਵੀ ਰੂਹੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਹੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬੋਲੇ ਪੂਰੀ ਬਾਜੂ ਮੈਨੇ ਦਬਾਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਦਬਾਏ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਦਬਾਏ, ਆਪ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਰੂਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹੀ ਕਾਟਨ ਜੈਸੇ ਸੋਫਟ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਜੂ ਐਸੇ ਥੀ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਥਾ ਯੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਿਸਤਰ ਹਮੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਦੇ ਦੀ, ਯੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘਰ ਪੇ, ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਲੈਂਕਿਟ ਹੈ, ਬਲੈਂਕਿਟ ਮੇ ਅਭੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਭੀ ਵੀ ਹਮਨੇ ਉਸਮੇ ਡੋਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ, ਹਮੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਠਤੇ ਬੈਠਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਬਟ ਹਮ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਤੇ ਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਪੂਛ ਕੇ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਅਬ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਨੇ ਕਿਸਸੇ ਪੁੱਛੇਂਗੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆ, ਬਸ ਅਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਬ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਂ ਜਾਨ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲੂੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹਮਨੇ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। जी 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 अपने बच्चों को जी ट्रेन कर देना ना, वो आपकी हेरिटेज को संभालेंगे। मैं भी यही सोच रही जी थी, जो जो सोच रही हूँ वो आप बोल रहे हो। अभी 2 मिनट पहले ये मैं सोच रही थी कि इतना सारा कलेक्शन है वही आपके पास, तो देखता बहुत हूँ, भाग्यवान हो आप। या तो छोटे मंदिर में देखता हूँ, इतने ज्यादा जो है मतलब वहां पर है उनके पास, छोटे मंदिर में गुरुजी का बहुत सामान है। सही बात है, बहुत छोले हैं उनके, मोस्टली जो हम है जैसों लास्ट को दे में। देना, हम जैसों को हमारा नंबर लिख लो, हम पे दया कर देना गुरु जी की जो इच्छा। आप आंटी बिलीव नहीं करोगे, जैसे गुरु जी मतलब बिना चोल, जैसे पैंट शर्ट में होते थे, डेस्क बॉक में बैठते थे और लगते थे, जैसे ही चोला पहन के छोटे मंदिर से रूम से बाहर आते थे, हम लोग गुरु जी को देख नहीं पाते थे कि नजर नहीं मिला सकते हाँ थे जी, तो कि मिली हुई है गुरु जी। दो हाँ तारीख से। हाँ तो उसके बाद जैसे एक बार ऐसे ना सिंगला अंकल को और सानी अंकल को भेज दिया पुलिस कमिश्नर जो के पॉल थे, तो इन दोनों ये दोनों तो चले गए। अच्छा उसके बाद ना मेरे को, मैं हॉल में बैठी हुई थी एम्पायर स्टेट में, तो आसन पे गुरु जी और जहाँ पे वो क्या कहते हैं जहाँ पे स्टीरियो पड़ा हुआ है, मैं वहां बैठी थी, तो गुरु जी आसन पे, कोई आंटी कोई सीढ़ियों से किचन से कोई बंदा नहीं आया, और मैं इतनी घबराई हुई, गुरु जी मेरे को देखे, मैं नीचे मुंह करके बैठ गई, मैं कहाँ फंस गई, मतलब मुझे ना मतलब अंदर से लग रहा था कोई है नहीं है, गुरु जी आसन में बैठे हैं, घबराहट होती थी मुझे हाँ। घबराहट हो रही थी कि मतलब मैं क्या करूं, मैं हाथ नीचे करके अभी गुरु जी को देखूं, कभी नीचे कभी गुरु जी को देखूं, जब ये वापस आए मैं कहा आप कहाँ चले गए थे, कहते मेरे को गुरु जी ने भेज दिया था, पता नहीं मेरा क्या कल्याण करना था, क्या किया था गुरु जी ने, मुझे कुछ नहीं पता क्या थी मेरी, मतलब कोई हो सकता कुछ मेरी काटी हो गुरु जी ने, ये गुरु जी को पता, जो जो किया वो तो हमें कुछ पता है, हाँ, बाकी जो तो नहीं हमें किया वो पता तो ही उनको नहीं है, गुरु पता जी ने हमारा पता नहीं क्या 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 कल्याण क्या किया, क्या क्या नहीं, क्या क्या काटा है, क्या खाता है, कुछ पता नहीं है, ये गुरु जी को ही पता है, ये गुरु जी करने वाले हैं, गुरु जी की, गुरु जी ने हमें सांस दी हुई है, दूसरी सांस आनी है या नहीं आनी, ये गुरु जी को ही पता है, बाकी पता नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं, आप और थैंक भी जो आपके पास बहुत खजाने होंगे, गुरु जी की अद्भुत यू वेरी दुनिया है और अनमोल मोती है गुरु जी की इस माला में, तो जरूर हमें कुछ कुछ और याद करके नेक्स्ट टाइम फिर ठीक आके सुनाइएगा। है। हाँ जी हाँ जय जी हाँ जी हाँ गुरु जी, जय गुरु जी, जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी। ओवर टू वासन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वासन अंकल। तो जय प्लीज गुरु आप जी, हाँ जी जय हाँ गुरु जी, जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी, गुरु जी ये सब गुरु जी महाराज की कृपा है कि जी हम जो संगत हैं, सानी अंकल सानी जी आंटी, आपके संगत शेयरिंग जो हुई है 3 साल। मैं संगत को ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल से मैं सानी अंकल को मैंने मैसेज करता था, मुझे कभी जवाब नहीं आता था। इसके बाद में 2 साल पहले मैंने सिंगल अंकल को बोला, सिंगल अंकल को रिक्वेस्ट की,
लेकिन सिंगला अंकल को भी सानी अंकल के जवाब नहीं आए हो, तो मुझे कहते सिंगला अंकल यार लगता कि वो ना बाहर गए होंगे इस करके जवाब नहीं बस आया। ये 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले तक अंकल आपके मेरे को किसी का ना, मेरे को ना सिंगल अंकल का जवाब नहीं आया। फिर मैंने ये ठान ली कि मेरे को हर हाल में इस साल 2023 में सानी अंकल का, सानी आंटी का सत्संग जरूर करवाना है, कुछ भी हो जाए। सच्ची और ये आप लोगों का पहला सत्संग है इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से। गुरु ये संगत निहाल होगी अंकल। अंकल एक गुरु जी की हमारे पास पैरों की फोटोग्राफ है, आप बिलीव नहीं करोगे, उन पैरों में उंगलियां जो पैरों की होती हैं पहले नहीं था, अब उस उंगलियों में ऐसे हो गया कि अमृत भर गया। वाह जय गुरु हाँ जी, प्राणा तो गुरु जी। मतलब उंगलियों मतलब ऐसी लगती हैं कि जैसे उंगलियों में तो हैवी अमृत हैवी मतलब मोटी हो बना गया, हुआ। हाँ मोटी हो गई उंगलियां ऐसे है। एक एक देख, फोटोग्राफ हमारे ऐसे ऐसे जैसे ऐसे गुरुजी करके बैठे हुए हैं, एक तरफ ओम और एक तरफ एक वो ओमकार, तो बने हुए हैं, वो तो मोस्टली काफी हैं, है सब में वैसे, है। बट हाँ ये जो हमारी मतलब उसमें जो उंगलियां दिख रही हैं वो उंगलियां मोटी हो गई हैं देखो मतलब। जी, उनका प्यार है ये, तो जब उन्होंने करने कराने वाले भी तो वही हैं, बाकी हम तो सिर्फ बिल्कुल वही वही, सब कुछ नहीं आए, जैसे दिखाएंगे वैसे नाचेंगे हम समझे नहीं हम तो। लोग। हाँ अंकल, जब भी गुरु जी की कृपा होगी तो मैं 2-3 संगत लेके आपके घर में आऊंगा, आपसे बात करके जरूर और जरूर सबकी जरूर बता दीजिएगा मुझे इच्छा पहले। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। कोई ठीक हाँ है, जी हाँ ठीक जी ठीक है और भाई। इसी के साथ ही मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी महाराज से आज्ञा दिलवाएं।